to everybody today evening in this audience, which is at this point in time making themselves aware and celebrating this important week called the World Continence Week 2021. Welcome to the platform created by Lupin India, who happened to be in the forefront of medical work in terms of partnering with the society, bringing about that kind of a care that is expected of a niche pharmaceutical company that has helped a lot of awareness in the last year and a half in the pandemic to connect with you all. Aap sabko aaj World Continence Week pe is important avsar pe hum sabko yaad dilana padega ki hum kis tarah se isko aage bada sakte hain aur wahan tak ja sakte hain jahan hum pehle kabhi nahi the. To bring about sharing of the screen and to bring about some slides which could help us to go to the next level, my interest today is to look at showing you a little bit of pictorials to give you an idea as to where do we belong to on this important day today. Could you help me understand if the slides are visible to you, Vaibhav? Yes, sir. Are you able to see the slides? Yes, sir. Perfect. Yeah, good. So good evening, everybody. Thank you, Lupin India, for having created such a wonderful platform. The platform which helps us to connect our colleagues and our members in society who happen to be ambassadors of the subject. आप में से आज जो भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है वो वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का एक पार्टिसिपेंट है. वो इस अवेयरनेस कैंपेन में हम सब के साथ आज इस देश में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगा. सो वी आर प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ ऑन मेनी एस्पेक्ट्स अराउंड एंड फ्रॉम द वेरी प्लेटफॉर्म वेयर वी स्पीक टुडे इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च वी टॉक्ड ऑन मेंस हेल्थ इश्यूज जिसकी रिकॉर्डिंग्स वहां पड़ी हुई और मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स मेंस हेल्थ and how do we take it forward. Aaj is important week mein jo 21st se 27 June tak celebrate kiya jata hai ise hum kehte hain world continence week. It is important for us to look at the incontinence part, which is a disease process or a phenomena where people live with difficulty. So it's time to take your health to completely a front row seat, and that is what is positive urinary health. Aaj is manch se baat karne ke pehle main aapko yaad dilana chahta hu मैं अपने हॉस्पिटल के ऑफिस कोकलाबेन धीरूभ अंबानी हॉस्पिटल के दूसरी मंजिल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठा हूं. मैं और हमारे यूरोलॉजी कलीग्स का आप सबको आज शाम का अभिनंदन है जहां वी कैरी ग्रीटिंग्स फ्रॉम कोकलाबेन धीरूभ अंबानी हॉस्पिटल वेयर वी फॉलो एवरी लाइफ मैटर्स एज अ वेरी बिग मोटो. दिस इज एन इंपॉर्टेंट मोटो. हर आदमी की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है. हर बीमारी को टाइम पे आइडेंटिफाई करना, उसे दूर तक इन्वेस्टिगेट करना, उसे ट्रीट करना और क्योर करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोटो बनता है. लेकिन आज हम नीचे जाएं और देखें एवरी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स. तो हम आज उस क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन. इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन जहां इनवॉलेंट्री यूरिन लीक हो जाता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है. और जब हम उन मरीज से पूछते हैं कि ये यूरिनरी लीक कितने दिनों से हो रहा है, तो वो कहते हैं दिनों से नहीं, ये महीने या सालों से हो रहा है. तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर पार्टनरिंग टुडे फ्रॉम कोकिलाबेन धीरूभ अंबानी हॉस्पिटल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लुपिन इंडिया, सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू टेक इट फॉरवर्ड टू ईच होम. हर घर में मुंबई में और इस शहर में आज लोगों को ये जागरूकता फैले इस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को हम अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते. अगर यूरिनरी लीकेज है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो आज ये समय बनता है कि हम में से हर कोई इस समय इस सब्जेक्ट का एम्बेसडर बने. हर कोई जो ये प्रोग्राम देख रहा है, आप अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने बच्चों के लिए, हर किसी के लिए हम आज इस चीजों के बारे में जागरूकता जाने और इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए एक बार हमें सलाम करना पड़ेगा कि हम इस इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल थ्रेट जो पैंडेमिक के थ्रू हम गुजर रहे हैं और जहां दुनिया क्रॉस रोड्स पे अभी भी अटकी हुई है, ये पूरा शायद थ्रेट खत्म नहीं हुआ है, वहां हम हर समय ये सोचते रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं कि हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं. वैसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस में बहुत बार पेशेंट सोचते रहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हम कुछ दवाई ले लें, हम शायद कुछ घरेलू नुस्खे अप्लाई करें या फिर हम डायपर्स पहन के काम चलाते रहे. तो इस पूरी दुविधा को खत्म करने के लिए इस पैंडेमिक में इस तरह की प्लेटफॉर्म से हम आज तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और इस कनेक्शन में आप सबका बहुत बड़ा अभिनंदन है. सो फ्रेंड्स, हैव वी कम ए लॉन्ग वे एट, हम वहां पहुंच पाए क्या जहां पहुंचना चाहते थे, जनरल हेल्थ में, लाइफ स्टाइल डिजीजेस में, यूरोलॉजी की हेल्थ में और फिर उन सब इन्फेक्शन, इनकॉन्टिनेंस, बेडवेटिंग, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर्स और कितने सारे एज रिलेटेड चेंजेस और मेंस हेल्थ की बात हम कर रहे थे. तो क्या हम कंट्रोल में हैं या कंट्रोल हमारे हाथ से छूटती जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें एक दूसरे के भागीदार बनने की जरूरत है. वी हैव टू बी अक्रॉस द टेबल डिस्कसिंग ऑल दिस
एंड सॉर्टिंग इट आउट इन टाइम. तो मेरी आज ये कोशिश इस सब्जेक्ट पे है, जो सब्जेक्ट को आज हम इस पूरे हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन. फ्रेंड्स, आप सब अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं और आज ये सैल्यूट आप सबको है, क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में हमारे यूरोलॉजी कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स जो यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर होते हैं और वो आपको टाइम पे पकड़ना चाहते हैं, टाइम पे आपको ट्रीट करना चाहते हैं और क्योर करना चाहते हैं. किस बीमारी से? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है. सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन जिसमें यूरिन इनवॉलंटरली लीक हो जाता है. वो उस तरह की सोशल और हाइजीनिक प्रॉब्लम बनती है जो हम सबको डेमोन्स्ट्रेट होता है. इसका मतलब क्या है? हमें यूरिन लग रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें यूरिन नहीं लग रहा और यूरिन लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनवॉलंटरली यूरिन कंट्रोल नहीं होता है. तो हम वॉलंटरी कंट्रोल के बारे में जाएंगे और कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे. देखा जाए, व्हाट डज एनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज इन इंडिया मीन? क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज होते हैं जिसमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यू इनकॉन्टिनेंस है. इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी लीकेज के बारे में, इसकी प्रेवलेंस बहुत ऊंची है. भारतीय इनकॉन्टिनेंस की पूरी गाइडलाइंस के आधार से यह पता चलता है कि अगर हम डोर टू डोर सर्वे को देखें जो कुछ साल पहले हुई थी, तो कहीं क्लोज टू 43% ऑफ इंडिविजुअल्स सफर विथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. 43% ऑफ इंडिया कुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ ए यूरिनरी लीकेज. तो अगर हम और आप दोनों को यूरिनरी लीकेज नहीं है तो शायद हम भाग्यशाली लोग हैं, अदरवाइज दिस इज अ वेरी प्रेवलेंट इशू. ये प्रेवलेंस ऐसा है कि ये कभी आपको कुछ समय तक हो सकता है, कुछ हफ्तों तक हो सकता है. इट कुड बी अ लाइफस्टाइल फिनोमेना, इट कुड बी अ फिनोमेना विच कुड लास्ट ऑल योर लाइफ. एंड सैडली इट हैज नॉट बीन ट्रीटेड टू दैट लेवल, या उस लेवल तक हम जा नहीं पाए, बिकॉज इट्स अंडर रिपोर्टेड. बहुत बार इसी शर्म में कि हम अपने आप को बता नहीं पाते, या इस शर्म में कि हम यूरिन के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात नहीं करते. देयरफॉर इट इज अंडर डायग्नोस्ड, अंडरस्टडीड, अंडरट्रीटेड एंड अननोटिस्ड. तो ये बहुत हद तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ ये नेपथ्य है. हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे आइडेंटिफाई करें. फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री आउट ऑफ मेनी कंट्रीज वेयर पीपल लिव एंड सफर. सो वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस जो है इज इक्वल टू वर्ल्ड फिगर्स. तो हमारी प्रेवलेंस और वर्ल्ड की फिगर्स में बहुत अंतर नहीं है. ये और बात है कि हमारे देश में जागरूकता इस सब्जेक्ट पे उतनी ज्यादा नहीं है, और उस जागरूकता के लिए हम ये मंच चूज करते हैं इस समय और पूरे साल भर जगाते रहते हैं आपको. मैं अपने YouTube चैनल से इनकॉन्टिनेंस पे बोलते रहता हूं, तो कहीं अगर आप डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी यूट्यूब पे टाइप करेंगे आज इस प्रोग्राम के बाद, तो आप देखेंगे इनकॉन्टिनेंस पे हम आपको जगाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं. पर आज हम लाइव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ये साल के शुरू में इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बातचीत की. तो फ्रेंड्स, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एक रेयर डिजीज नहीं है, बहुत जरूरी है जानना. याद रखिएगा, फरवरी का जो लास्ट दिन होता है, लास्ट डे ऑफ द फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ रेयर डिजीज डे. बहुत सी रेयर डिजीजेस होती हैं जिसके बारे में बात होती है, पर मैं तो बात कर रहा हूं वहां जहां 17-43% ऑफ इंडिविजुअल्स इन दिस कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड सफर फ्रॉम अ डिजीज एंड एंटिटी विच इज कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस. इट्स नॉट अ रेयर डिजीज. और अगर ये रेयर डिजीज नहीं है और इतना कॉमन है, तो हम इससे बचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम इसे डायग्नोज क्यों नहीं होने देना चाहते? हम अपने स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जाते, इसे ठीक नहीं कराते? आज इस पे जरा गौर करेंगे और देखेंगे कैसे हम इस अवेयरनेस को आगे ले जाएं. तो ये मेरी यूरोलॉजी वॉल है, जो पीछे की तरफ नहीं पर आगे की तरफ दिखती है, जो हमारे मरीज आके देखते हैं. उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेल इनकॉन्टिनेंस, पुरुषों में भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. उसके नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फिर लिखा हुआ है ओवर एक्टिव ब्लैडर, और फिर कहीं लिखा हुआ रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस. तो मान लीजिए हम उतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं, रोबोटिक्स और यूरेथ्रोप्लास्टीज और रिकंस्ट्रक्शन और एंडोस्कोपी, पर एक तरफ ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस हैं जिसमें एक मरीज साइलेंटली सफर कर रहा है. साइलेंट मेनेस और साइलेंट सफरिंग इज लीकेज ऑफ यूरिन. तो हमारी वॉल पे भी ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और अहम एस्पेक्ट रखता है, और बिल्कुल चरम सीमा अप्लाई करता है जहां बेचारे मरीज बता नहीं पाते. एज चेंजेस हैपन इन 2021, a man who could be a doctor on this side of the table, or a man on the opposite side who could be a patient, a machine which could be an ultrasound machine or a uroflowmetry machine or an endoscope, yeah, those good medicines which pharmaceutical companies make, or yahan Lupin India takes and strives and probably takes pride to make the best of medicines for your care, and the motivation that you and I both have as caregiver and as care receiving individuals or ambassadors in the society, aaj ye change ko aage le jane ki zarurat hai. Hum wo chhalang laga rahe hain जहां हम देश के हर घर में जाकर के लोगों को जगाएं कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के साथ नहीं रहना है. ये पूरे हफ्ते हम इनकॉन्टिनेंस की जागरूकता फैलाते हैं. ये जरूरी है कि लोग जाने कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के हम मिलेंगे. हम उनको बताना चाहते हैं कि हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को उस तरह से अपनी लाइफ को पंक्चुएट नहीं करना चाहते. तो लाइफ एक तरह की जर्नी है जो बहुत ही एक तरह की मूवमेंट हो रही है, जिस मूवमेंट के थ्रू हम गुजर रहे हैं. पर उस जर्नी में
ये बार बार ग्रीन और ऑरेंज और ब्लू और रेड लाइट ना आए, जहां यूरिन लीक हो जाता है, जहां हमें डायपर पहनना पड़ता है, जहां खांसी करते वक्त यूरिन लीक हो जाता है, जहां हम रात को उठते हैं और टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाते, यहां कहीं बेड पे भी लीक हो जाता है. तो इट कुड बी ए ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट और ब्लू लाइट और रेड लाइट. मतलब इनकॉन्टिनेंस के अलग अलग तरह के एपिसोड हो सकते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमारी हेल्थ जर्नी पंक्चुएट ना हो जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यू से, जहां हमें सफर करना पड़े और जहां हमें आगे बढ़ने का मौका ना मिले. ये तो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो मैं हर बार देखते रहता हूं, और लोगों को जगाने के लिए इससे अच्छा स्लाइड्स मेरे को नहीं मिलेगा. जब हम हॉस्पिटल में राउंड लेते हैं तो ये दो पेंटिंग्स मेरे को हर समय दिखती हैं. बाएं तरफ लिखा हुआ है, आवर हेल्थ ऑलवेज सीम्स मच मोर वैल्यूएबल आफ्टर वी लूज इट. कोई भी चीज बहुत नायाब लगता है जब वो खो जाता है. तो हेल्थ वैसी चीज नहीं है जिसको आप खोने के बाद वापस याद करें. एक बार वो बीमारी हुई और ठीक ना हुई तो शायद वो अंदर दूर तक घर कर सकती है. और राइट साइड लिखा हुआ है, मैजिक इज समथिंग यू मेक. तो आपसे अच्छा मैजिशियन कौन हो सकता है जो अपने बारे में जागरूकता रखे और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जागरूकता को हासिल करे, और फिर एम्बेसडर बन के उन लोगों को जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उनको सही समय पे सही डॉक्टर के पास ले जाए. सो मैजिक इज समथिंग यू मेक, लाइक सनशाइन इज मेड बाय यू. आप अपनी सनशाइन खुद ही ला सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज. सो फ्रेंड्स, इन सेफगार्डिंग हेल्थ इन 2021, ईच ऑफ यू एंड आई हैव अ रोल. द वर्ल्ड इज अ स्टेज नाउ, इट्स अ स्टेज वेयर ईच ऑफ अस हैज टू प्ले अ पार्ट. हम बड़ी बड़ी स्टेजेस में बड़ी बड़े तरह के ऑपरेशंस करते हैं. मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि रोबोटिक सर्जरी होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, इतने कैंसर्स के हम ऑपरेशन करते हैं. पर कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस में हम और आप एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं. वी कैन वर्क टुगेदर, वी नीड ईच अदर, वी कुड कॉम्प्लीमेंट एंड वी कांट डू विदाउट ईच अदर. तो याद रखिएगा, एज अ सोसाइटी ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल एंड ऑन दिस साइड, डॉक्टर्स इंक्लूडिंग यूरोलॉजिस्ट आर इंडीड ट्रू पार्टनर्स. और ये पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आज लुपिन इंडिया ने हम सबके लिए बनाया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तो अवर रीसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, अवर रीसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूरिनरी कंट्रोल, यूरिनरी मैकेनिज्म, ऑल हैव गॉन फ्रॉम वेरी अननोन सिचुएशन. वो लालटेन के जमाने से आज ट्यूबलाइट के जमाने तक आ चुकी है. वी हैव क्रॉस्ड पाथ अराउंड एंड वी हैव कम फ्रॉम अ ड्रीम टू अ रियलिटी. कहने का मतलब ये है कि इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी जागरूकता है जो बहुत हद तक आप गूगल के बारे में थ्रू जानते हैं, यूट्यूब के बारे में जानते हैं, और फिर इस तरह की प्लेटफॉर्म से प्रोत्साहित होते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेंज अवर गोल पोस्ट. वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ्स. लेट्स बी वेरी सेल्फिश. मैं पहले अपने आप को ठीक करूं, फिर मैं अपने फैमिली को ठीक करूं, फिर मैं आगे जाऊं और अपनी सोसाइटी को ठीक करूं. और इस तरह से हम सब अपनी जागरूकता को उस लेवल को ले जाएं. लेट्स चेंज अवर गोल पोस्ट एंड अंडरस्टैंड मोर. तो इस डिजीज में और अपनी इवोल्यूशन में आज हमें वो एविडेंस देखना है, आज एक्सपीरियंस के बारे में समझना है जो कुछ मरीज सफर करते हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है. और वही होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज में लोगों को इम्प्रूव करना. फ्रेंड्स, एज अ यूरोलॉजिस्ट, मैं और हमारे यूरोलॉजी कलीग्स इस शहर में, इस दुनिया में यूरिनरी सिस्टम से डील करते हैं. तो यूरोलॉजिस्ट कौन है? यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सब चीजों के हेल्थ के बारे में ख्याल रखता है. हेल्थ के बारे में ख्याल रखना मतलब उस सिस्टम को मेंटेन करना, उस सिस्टम की मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस को ठीक करना. तो यूरोलॉजिस्ट वो है जो आपका मित्र है, जो इन सब ऑर्गन्स को सेफगार्ड करने में, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ग्रेजुअल चेंजेस हैपन. वन ऑफ द चेंज सडनली कैन हैपन कि हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, हमें कहीं कोई पत्थर किडनी में बन गया, कोई कैंसर हो गया, वगैरह वगैरह. तो आपके यूरोलॉजिस्ट आपका इंतजार करते हैं और इसे ठीक करना चाहते हैं. नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो नेफ्रॉन्स के साथ डील करते हैं और किडनी के ओन यूनिट्स को देखते हैं. वो एंड स्टेज रीनल डिजीज, रीनल इन्फेक्शन के बारे में गौर करते हैं और वो हमारे पार्टनर्स होते हैं. जैसे मेडिकल में हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होते हैं, वैसे आज हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, सोसाइटी उस तरफ और डॉक्टर्स इस तरफ. और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जानना है कि इन सब ऑर्गन्स का सेफगार्ड करना एक यूरोलॉजिस्ट का धर्म होता है, यही उनका पैशन है. दिस इज हिज पर्पस. सो द पर्पस ऑफ द पैशन टू ड्राइव अ सब्जेक्ट एंड टू गो डीप इनटू डिजीज इज ओनली व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड रीच अ डॉक्टर इन टाइम. और इसको करने के लिए आज वर्ल्ड कॉन्टिनेंस अवेयरनेस की इशू है. तो उन ऑर्गन्स जिसके साथ हम डील करते हैं और उन ऑर्गन्स को ख्याल रखते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी और किडनी के स्टोन्स, किडनी और किडनी के कैंसर्स, किडनी और इनके इन्फेक्शन. पर हम नीचे जा रहे हैं आज हम नीचे जा रहे हैं वहां पे जहां हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, यूरिनरी ब्लैडर एक उस तरह का स्टोरेज ऑर्गन है जो यूरिन स्टोर करता है. जैसे आपके पास एक बैग है, आप उस बैग को लेकर स्टार बाजार जाते हैं और वहां पे सारा सामान डालने वाला है और वो स्टोर करने वाला है. So bladder is a receptacle or a storage organ which fills up gradually with a low pressure. मतलब ये bladder जिसकी capacity gradually बढ़ती गई जैसे उम्र बढ़ता गया. और आज हम adult लोगों की bladder capacity 350 ml से 500 ml की होती है. उस समय जब हमारा bladder उतना भरा होता है तो sensations strong होते हैं और हमें urine pass करने की इच्छा होती है.
तो ब्लैडर उस तरह का बलून है या उस तरह का गुब्बारा है जिसके एक अंदर की लाइनिंग होती है और एक बाहर की लाइनिंग होती है। अंदर की लाइनिंग वो है जो सेंसिटिव लाइनिंग है, जो सेंसेशन देती है। बाहर की लाइनिंग वो मसल या डेट्रूजर मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन देकर के यूरिन को बाहर पुश करने का मौका देती है। याद रखिएगा मैंने कहा ब्लैडर एक उस तरह का गुब्बारा, एक इलास्टिक ऑर्गन है जिसको कैपेसिटी है स्ट्रेच करने का। अगर आप एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ट्रैफिक में अटके हुए या एक ऐसी ट्रैफिक में ऐसे जगह में जहां यूरिन पास नहीं कर सकते, तो आपकी वॉलंटरी कंट्रोल से, आपकी इच्छा से आप ब्लैडर को और भी स्ट्रेच कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? आप ये करते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप एक सोशली कन्वीनियंट जगह पे नहीं है जहां आप यूरिन पास कर सके। सो वी आर डीलिंग विद अ स्टोरेज ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन। इट हैज गॉट एन इनर लाइनिंग विच हैज गॉट सेंसेशन एंड आउटर लाइनिंग विच हैज गॉट अ कॉन्ट्रैक्शन पावर। इट कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन दिस ऑर्गन इज अमेजिंग। ऐसा दूसरा ऑर्गन आपके बॉडी में जिसे हार्ट कहते हैं, हार्ट भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहता है, वैसे ही ब्लैडर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग है वो एक सेंसिटिव लाइनिंग है और ये आपको सेंसेशन देती है। हार्ट के अंदर की लाइनिंग और किडनी के अंदर की लाइनिंग आपके अंदर में नहीं है, वो ऑटोनोमस लाइनिंग्स है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं एक बार और कंपेयर करूं तो हम ब्लैडर को एक माउथ के साथ कंपेयर करते हैं। आउटर लाइनिंग जो है वो मसल है, वो कॉन्ट्रैक्शन करके हमें च्यूइंग में हेल्प करती है, हमें डेग्लूटेशन में हेल्प करती है। अंदर की जो लाइनिंग है वो सेंसेशन फील करती है। तो अगर हमने मुंह में मीठा डाला तो हमें अच्छा लगता है, हम उसे चबाते हैं और चूसते रहते हैं। अगर कुछ अगर मिर्ची डाली तो हम उसे थूक देते हैं। ये सब होता कैसे? अंदर की लाइनिंग ने सेंसेशन देखा और बाहर की लाइनिंग ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एग्जैक्टली वही ब्लैडर करती है। अंदर की लाइनिंग सेंस करती है और बाहर की लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहले तो रिलैक्स करके फिल करती है। दोनों यूरिन किडनी, दोनों किडनी से यूरिन आ रहा है। So imagine how computerized our body is, and you should give all the credit to God who actually made an organ which is endowed with such powers and such kind of receptivity which is completely computerized in such a wonderful manner. Ab continence ya control mechanism usse bhi unchi cheez hai. Bladder bhara aur niche jo control mechanism ya urinary sphincters jo aapko dikh raha hai wo aapko control lata hai. To ye control mechanism aisi bani hui hai ki jab tak aap jaate nahi aur wahan pass nahi karte tab tak aap control karte hain na. आप इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं और एम्बेसडोरियल रोल में इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं जो आप अपने मित्रों को समझाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आपको जब टॉयलेट लगा तो आप कंट्रोल करें जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती है और फिर वॉशरूम जाकर के यूरिन पास करके आए। उस समय ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रास्ता खुलेगा और यूरिन निकल जाएगा। ये पूरी कॉन्टिनेंस और कंट्रोल की जो मैकेनिज्म है ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, उसे कहते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग। तो जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है, 1 से 5 साल का होता है, तब मदर उसको ये ट्रेनिंग देती है कि बेटा आप अपने पैंट खोला तो टॉयलेट में यूरिन पास करोगे, जैसे मोशन की ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग के बदौलत हमने अपनी यूरिन कंट्रोल करना शुरू किया एंड देन ग्रेजुअली दिस कंट्रोल कम्स टू अ लेवल विल द ब्लैडर फ्रॉम अ पेडियाट्रिक टू एन एडल्ट टू अ जेरियाट्रिक एज ग्रुप अंडरगोस दोस चेंजेस। उस चेंज का जो गुरुत्व है उसे हम अपने आप मेंटेन करते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंस कंट्रोल मैकेनिज्म गड़बड़ हो सकती है। ये कंट्रोल बहुत ही इंट्रिकेट बैलेंस से मेजर होता है। तो कौन सफर कर सकता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से? चिल्ड्रन, they can suffer from urinary incontinence. Men can suffer from urinary incontinence. Women suffer most from urinary incontinence. Elderly people can suffer because of reasons of being elderly and other changes which happen. And then there is a very small select group of patients, which is very large in fact, unfortunately, are the neurogenic bladders. Neurogenic bladders wo hote hain jisme neurovascular dysfunction ho rahi hai. Spine ki problem hai, brain ki problem hai, aur nerve ke inputs is tarah se hain ki urine control nahi ho paata. तो ये सब लोग सफर कर सकते हैं। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि भारत का हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा, हर नारी कंट्रोल मैकेनिज्म से कभी बाहर जा सकता है और फिर वापस डिसिप्लिन में आ सकता है? इसीलिए यूरोलॉजिस्ट आपके डॉक्टर्स आपके लिए भागीदार हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि आप अपने आप को टाइम पे आइडेंटिफाई करें। एनी चाइल्ड हु इज इनकॉन्टिनेंट सीज इधर अ पेडियाट्रिशियन और अ यूरोलॉजिस्ट। एनी मैन हु इज इनकॉन्टिनेंट सीज अ यूरोलॉजिस्ट। एनी वुमन हु इज इनकॉन्टिनेंट कैन समटाइम्स इवन लैंड अप सीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट but finally comes to a urologist who identifies the reasons of incontinence. Elderly people see geriatricians, physicians, they're also seen by urologists because of changes in the hormones, changes in the prostate. And neurovascular dysfunction, jahan neurologist doctors, physician doctors, hamara sahara lete hain aur is tarah se hum ek partnership mein bladder ki sensation samajhte hain because spine or brain ki diseases ho rahi hai. So friends, incontinence to bahut karan se ho sakta hai. Let us understand the micturition cycle. Aur ye bahut important slide hai aaj society ke liye. कि मैच्योरेशन या यूरिनेशन, मैच्योरेशन एक मेडिकल टर्म है, द टर्म इज यूरिनेशन। तो यूरिनरी साइकिल होता क्या है? देयर इज अ फेज वेयर यू स्टोर यूरिन एंड देयर इज अ फेज जब आप यूरिन पास करते हैं। वो स्टोरेज फेज क्या होता है जिसमें आप ब्लैडर में यूरिन स्टोर कर रहे हैं? मैंने कहा था ब्लैडर एक गुब्बारा है जो उतना होल्ड कर सकता जितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कृपया इसे व्यथा स्ट्रेच ना करें, उतना स्ट्रेच ना करें कि फिर ये बेचारा अपना टोन लूज कर जाए। ब्लैडर की अपनी एक टोन और एक कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है।
तो ब्लैडर की एक फिलिंग फेज होती है जहां हम और आप दोनों बैठे हुए हैं और ब्लैडर को पहचान रहे हैं और ब्लैडर साइलेंटली भर रहा है, वो आवाज नहीं कर रहा, वो चुपचाप भर रहा है और भरता जाता है। आपको एक सेंसेशन होती है, उस सेंसेशन को आप टाल देते हैं, एक और सेंसेशन होती है उसको भी आप टाल देते हैं, घर पहुंचने वाले हैं और कुछ देर बाद आप चाबी से ताला खोलेंगे और फिर अंदर पहुंचेंगे और फिर सामान रखेंगे सब कुछ बैग वगैरह और फिर टॉयलेट तक जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और फिर यूरिन पास करेंगे। तब तक वो आपकी नॉर्मल डिजायर आ चुकी है और डिजायर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर भी कभी कभी हो सकती है। ये पूरा फेज राइट फ्रॉम द ब्लैडर फिलिंग सिंस द डे द ब्लैडर हैज गॉट एम्प्टी एंड द ब्लैडर कंटिन्यूज टू फिल टिल इट फिल्स सोशली टू अ पॉइंट इन टाइम विच यू कैन कंट्रोल इज कॉल्ड द स्टोरेज फेज। ब्लैडर भर रहा है, आप यूरिन को स्टोर कर रहे हैं, आप इतने केपेबल हैं। ये स्टोरेज बहुत लो प्रेशर पे होता है ताकि ब्लैडर बिना प्रेशर के उसको वहां तक रोक सके। ये तो बनी है, ये तो इतनी बड़ी विडंबना है जिस तरह की कंप्यूटराइज ऑर्गन का जो साइलेंटली बिल्कुल स्टोर करता है। उसके बाद होती है एम्प्टीइंग फेज। एम्प्टीइंग फेज में मैंने बताया था ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर्स हैं, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिलैक्सेशन के दिन गए बिकॉज अब आपने जिप खोला, आप टॉयलेट में हैं और अभी कोई आपको देख नहीं रहा, सो यू आर इन अ सोशली कन्वीनियंट प्लेस। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रास्ता खुलेगा और यूरिन निकल जाएगा। हम आज एम्प्टीइंग फेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम मीटिंग्स में करते रहते हैं। एम्प्टीइंग फेज में अगर गड़बड़ है तो यूरिन खुल के नहीं आता और आपके यूरोलॉजिस्ट आपको मिलते हैं, यूरिन रुक रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है प्रोस्टेट के कारण, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के कारण, पर हम वहां आज बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं स्टोरेज फेज की प्रॉब्लम। अगर आप यूरिन स्टोर नहीं कर पाते तो यूरिन लीक हो जाएगा और इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, या वॉलेंट्रीली यू हैव टू रश रन जंप एंड रीच द टॉयलेट, या उससे पहले यूरिन लीक हो गया। तो स्टोरेज फेज में अगर यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता क्योंकि आपकी ब्लैडर स्टोर ही नहीं कर पा रही, आपकी ब्लैडर एक शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, या आपने स्टोर किया और किसी ने खांसी किया और यूरिन लीक हो गया, जो युवतियों में होता है उसके बारे में गौर करेंगे, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। या एक तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है जो मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो यूरिन वजाइना से लीक हो जाता है, एक एबनॉर्मल पैसेज हो चुका है, हम उसे कहते हैं वेसाइको वजाइनल फिस्चुला, जो गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद हो सकता है, हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं पर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। एक और लीक होता है जिसे हम कहते हैं रेक्टो यूरेथ्रल फिस्चुला, यूरिन का लीक संडास के रास्ते मोशन पैसेज के थ्रू हो रहा है, ये लीकेज एक एबनॉर्मल पैसेज के थ्रू होती है। तो वजाइना से लीक होना और रेक्टम से लीक होना, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होना, एक अलग तरह की इनकॉन्टिनेंस है। आज हम बात कर रहे हैं उस इनकॉन्टिनेंस की जो आम जनता सफर करती है बिकॉज ब्लैडर की मैकेनिज्म कहीं गड़बड़ हो रही है। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी मैंने बताया इज अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की जो फेज चलती है उसके कारण हम दिन में 6 से 8 से 10 बार यूरिन पास करने जाते हैं, रात को हमारी नींद 1-2 बार खुलती है और हम यूरिन पास करते रहते हैं। So, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक कंट्रोल के द्वारा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और यहां हम आज बात कर रहे हैं इनकॉन्टिनेंस का एक पहलू, इसे हम कहते हैं ओएबी, ओवर एक्टिव ब्लैडर। मैंने बात किया था कि ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग हो रही है कि आपको बार बार जाना पड़ रहा है, इतनी अर्जेंसी स्ट्रांग होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी लीक कर पाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम की पूरी लीक, एक तरफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक तरफ मिक्स इनकॉन्टिनेंस, और फिर वो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो बहुत ही prevalent kind of condition है। Overactive bladder वो है जिसमें आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, कहीं 8 से 10 बार जाना पड़ता है कम से कम, और कभी कभी इतनी strong urgency होती है कि आप उसको postpone नहीं कर पाते, impossible to postpone urination, a precipitancy kind of situation, and you could involuntary leak urine, which is called as urge incontinence. So increased frequency, urgency and urge incontinence combined together to form what is called as overactive bladder. Now, that is a medical condition, but that translates into so much of agony. आपको टॉयलेट खोदना पड़ता है, काले कपड़े पहनने होते हैं, लीक हो तो किसी को दिखे नहीं, आपकी एंग्जाइटी हर समय रहती, पानी पीऊं कि ना पीऊं, कहां यूरिन पास करके निकलूं, इन सबअर्बन ट्रेन्स में चलूं कि ना चलूं, बस पे चलूं कि ना चलूं, और उसके एक्सपेक्टेशंस किस तरह से होते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। साथ ही रात को बार बार यूरिन पास करना, बेड पे यूरिन लीक हो जाना, ये सब सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दैट्स सो मच ऑफ अ ट्रबल व्हिच इंडिविजुअल्स गो थ्रू। सो फ्रेंड्स, ओवर एक्टिव ब्लैडर तो उस तरह की सिचुएशन है जहां इडियोपैथिकली यूरिन लीक हो रहा है, लेकिन ओवर एक्टिविटी और भी कारणों में होता है। किसी युवती को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी पुरुष को प्रोस्टेट की ऑब्स्ट्रक्शन है और पेशाब खुल के नहीं आता है, ब्लैडर ने एक बार आप कोशिश की पेशाब खाली करने की और एक ऑटोनोमस सिग्नल आता है और ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसे ओवर एक्टिविटी और ब्लैडर कहते हैं। ये सेकेंडरी ओवर एक्टिविटी है, ब्लैडर में रुकावट है और ब्लैडर अगर खुल नहीं रहा है तो ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन करती है। इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, अगर ब्लैडर भर रहा है और ब्लैडर भरते वक्त अगर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है बिकॉज इसमें सेंसिटिविटी या लाइनिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। और फाइनली ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसका कोई कारण नहीं होता है, जो आप में मेरे में हो सकता है, तो या तो यूरिनरी इन्फेक्शन या प्रोस्टेट या यूरिनरी पैसेज से यूरिनरी पैसेज का रुकावट होना, या फिर इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस होना और ब्लैडर यूं ही ओवर एक्टिव हो जाना,
या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर एक इडियोपैथिक फिनोमेना जिससे कोई कारण नहीं है, पर ये किसी को भी हो सकता है, और ये नर नारी यंग ओल्ड किसी को भी हो सकता है. सो ओएबी इज फ्रेंड्स इंक्रीज डायउरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अर्जेंसी विच इज अ सडन कंपेलिंग डिजायर एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस या प्रेसिपिटेंसी जहां यूरिन रोक ना पाए और यूरिन लीक हो गया. वो कहीं भी हो सकता है, आप कतार में खड़े हैं, आप बस में खड़े हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कहीं फ्लाइट में हैं, कहीं भी लीक हो सकता है. इसके साथ साथ रात को बार बार यूरिन जाना और यूरिन पास करने के बाद ड्रिबल होना, ये सब कुछ उस सिंड्रोम की कहानी है. तो मैंने बताया आपको ओ ए बी अपने में एक इडियोपैथिक कंडीशन है जो यूटीआई के कारण नहीं हो रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण नहीं हो रहा है, जो ब्लैडर पेन सिंड्रोम के कारण नहीं हो रहा है. और जब ये होता है उस तरह की स्ट्रॉन्ग डिजायर जो आप यूरिन रोक नहीं पाते, तो फिर आपकी हमारी व्यथा उस तरह की मुश्किल होती है जो हमें आपको जगाने की जरूरत है. तो ओवर एक्टिव ब्लैडर वो कंडीशन है जहां हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, जहां हमें बार बार जाना पड़ता है और कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है. और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन अगर अंडर रिपोर्टेड है, अंडर डायग्नोज्ड है, अंडर स्टडीड है, अंडर नोटिस्ड है, तो ये अंडर ट्रीटेड ही रहेगा. तो इसलिए आज हम और आप वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक पे जग रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को उस तरह की टॉर्चर में ना जाना पड़े. अगर यूरिनरी ब्लैडर बार बार लीक कर रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं, उसे हम टेम कर सकते हैं, उसे हम रास्ते पे ला सकते हैं. कहने का मतलब हमें यूरिन बार बार लीक होना, बार बार जाना, ये अच्छी बात नहीं. आज सुबह से मैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठा था, कोई 45 से 50 पेशेंट आए थे. उसमें 6-7 पेशेंट ऐसे थे जो कह रहे थे ये बारिश का मौसम जो मुंबई में आया हमारी आफत आ चुकी है, हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे डॉक्टर साहब, हमें डायपर पहनना पड़ता है, ये पहले नहीं था. तो उनकी कुछ कुछ मुश्किलें थी या उनकी कंट्रोल उतनी थी. अब इस बारिश के मौसम में जब पसीना नहीं बहता है, सारा यूरिन और सारा बॉडी का पानी यूरिन के रास्ते निकलता है, उसमें अगर हम बहुत ज्यादा चाय कॉफी अल्कोहल पानी दूध और पिए जा रहे हैं, तो फिर हम बहुत ज्यादा पेशाब बना रहे हैं और वो पेशाब अगर कंट्रोल करने की मैकेनिज्म गड़बड़ है तो यूरिन लीक हो रहा है. हम इस पे गौर करेंगे. और यही मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे रेस्पेक्टेड ऑडियंस को, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड व्हिच मे नॉट बी वेरी पर्सनल एंड जनरलाइज्ड, यू कुड एक्चुअली आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स. तो जो क्वेश्चंस आपको पूछना है वो आप क्वेश्चंस डालिए. ये सारे क्वेश्चंस इस एंड में अगले 15 मिनटों के बाद मेरे पास आ जाएगा. तो मेरा ये कहना है कि हम आपको जागरूक कर रहे हैं आज वर्ल्ड कॉन्टिनेंस डे में लुपिन के उस प्लेटफॉर्म से जिसमें हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. आपके हर शहरों में और हर जगह में जहां आप रहते हैं वहां हमारे यूरोलॉजी फ्रेंड्स आपको इनकॉन्टिनेंस के लिए ट्रीट करना चाहते हैं, बशर्ते आप और हम अपने आप को टाइम पे पहुंचाएं, पहचानें और पहुंचाएं अपने आप को उस क्लिनिक में जहां ट्रीटमेंट करना है. तो फ्रेंड्स, ओवर एक्टिव ब्लैडर नॉट एबल टू कंट्रोल यूरिन इज अ डिसेबलिंग कंडीशन, इज अ कंडीशन वेर यू आर सफरिंग, वेर यू आर सफरिंग अबाउट एन एग्नी, अ डेस्परेशन, अ काइंड ऑफ अ डिस्पेयर एंड अ काइंड ऑफ अ पेन विच यू ओनली कैन टेल. आपके लिए मुश्किल है, आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिन लीक हो जाता है, डायपर पहनते हैं, इससे डिसेबलिंग कंडीशन क्या हो सकती है प्राइम ऑफ लाइफ में. दिस कैन इंपैक्ट ऑन द फैमिलीज, ऑन द करियर्स एंड द प्रोफाउंड इशू इट हैपेंस ऑन द हेल्थ केयर सिचुएशन अराउंड. ये कभी कभी बहुत ही नटखट सिचुएशन हो सकता है. इट्स अ कॉमन कंडीशन. मैंने कहा कि 9 से 43% जनता इस कंडीशन को सफर करती है. ये औरतों में ज्यादा कॉमन है, ये बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है, और इसकी सीवियरिटी का आपको और मेरे को अंदाजा नहीं है अगर हम मरीज नहीं है. और अगर हम इसकी मरीज हैं तो अपने घरों में अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के अंदर झांक के देखिए कि बहुत से लोग डायपर पहनते हैं, बहुत से लोग पानी नहीं पीते, बहुत से लोग पहले टॉयलेट में जाते हैं उसके बाद रोड पे उतरते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो इतने डिसेबल्ड है, उनके दिमाग में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का हर समय ये खेल चल रहा है. ओवर एक्टिव ब्लैडर इज वन सच कंडीशन विच इज सफर्ड बाय लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स. फ्रेंड्स, इट इज अ डिसेबलिंग कंडीशन. देयरफॉर इमेजिन, एक होता है वर्ल्ड किडनी डे, एक होता है नो स्मोकिंग डे, एक होता है वर्ल्ड हार्ट डे. हमारे पास इनकॉन्टिनेंस की पूरे एक हफ्ते को सेलिब्रेट करना या अवेयर करना या जागरूक करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज ये कंडीशन इतना डीप रूटेड है कि एक हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ बन चुका है. हम इससे चल रहे हैं, हम इसे काम चला रहे हैं. हम शायद डायपर में रह लेते हैं, हम पानी नहीं पीते, हम इन्फेक्शन सफर करते हैं, हम गीले रहते हैं और स्मेल होते रहते हैं. तो ये जागरूकता हमें हर दिन फैलाने की जरूरत है. तो एक पूरा हफ्ता यह मुहिम है कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं. इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, इसकी प्रेवलेंस पुरुषों में, इसकी प्रेवलेंस औरतों में अनकॉमन नहीं है. तो अगर मैं भारत की कंडीशन बता रहा था जो 43% ऑफ पॉपुलेशन में हो सकती है, आप देखिए कहीं ना कहीं पुरुषों में इसकी प्रेवलेंस को 29% के आसपास है और उम्र के साथ साथ ही बढ़ती है. आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज्यादा है. आप अगर 25, 30, 35, 40 साल के हैं तो शायद इनकॉन्टिनेंस इतने ना हो. औरतों में ये प्रेवलेंस ज्यादा है और औरतों में जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रेवलेंस बढ़ती जाती है. तो ओवरऑल जो सिचुएशन है पूरे देश और दुनिया की ये इतनी अच्छी नहीं है. और इसको ठीक किया जा सकता है. याद रखिएगा, इट्स अ ट्रीटेबल एंड अ क्यूरेबल कंडीशन. तो अगर कोई चीज ट्रीटेबल और क्यूरेबल है तो हम उसे नमकीन क्यों लगने दें, मीठा क्यों ना लगने दें, हम उसे ट्रीट क्यों ना करें, ये हमारा क्वेश्चन है. एग्जांपल देने के लिए आज से 20 साल पहले की स्टडी कोट कर रहा हूं. 53% ऑफ एशियन वुमेन हैव सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर.
इसका मतलब 43% 53% औरतों को यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रोल की इशू थी. क्या क्या था? 65% हैड अर्जेंसी, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, अभी लीक हो जाएगा. 55% को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी था, बार बार जाना पड़ता था. 21% औरतें इनकॉन्टिनेंट थी, लीक तो होता ही था, डायपर में रहती थी. लेकिन उधर देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ पेशेंट सीकिंग ट्रीटमेंट, कितने लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, सिर्फ 21%. मैंने कहा कि उस जमाने से आज से 20 साल पहले और आज भी द कंडीशन ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर इज अंडर रिपोर्टेड, अंडर ट्रीटेड, अंडर डायग्नोज, अंडर स्टडीड, एंड पीपल कंटिन्यू टू सफर, अनफॉर्चुनेटली नॉट रीचिंग द डॉक्टर्स अराउंड. सो आप और आपके यूरोलॉजिस्ट आप एक टीम बनते हैं. सो डू एशियन वुमेन कंसल्ट फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, डू दे गो टू द स्पेशलिस्ट? नहीं, कोई अपनी माता जी से पूछ लेता है, कोई ओवर द काउंटर दवाई ले लेता है, कोई हमारे जनरल प्रैक्टिशनर फ्रेंड्स के पास जाके वहीं रह जाता है और ट्रीटमेंट उतना ही ले पाता है, कोई नर्सेस के पास जाता है और कोई गूगल पे ट्रीटमेंट कराता है. फ्रेंड्स, स्पेशलिस्ट के पास बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि ये सब कुछ एक स्पेशलाइज प्रॉब्लम है और आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी क्योर है, तो जिंदगी भर क्यों इसके साथ चिपके रहे. यू नीड टू आइडेंटिफाई इन योर सिटीज योर यूरोलॉजिस्ट एंड गो एंड सी देम. इस शहर में और हमारे यूरोलॉजी कलीग जो 250 से 300 डॉक्टर्स हैं मुंबई में जो इस सब्जेक्ट पे इतना काम कर रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है. सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8:30 से लेकर शाम 6-7 बजे तक हम ओवर एक्टिव ब्लैडर देखते हैं, बशर्ते हम बहुत सी और चीजें देखते हैं. हम कैंसर्स देखते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन देखते हैं, हम स्ट्रिक्चर्स देखते हैं और बहुत सी अलग प्रॉब्लम देखते हैं, पर ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पुरुषों और स्त्रियों में ये कॉमन, इतना कॉमन है और हमें देखने को मिलता है. हम लोगों को जगाते हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए, हमें पहले पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं. तो आज ये जमाना है कि हम आपको बताना चाहते हैं और आपको पता है तो अपने डॉक्टरों से मिलिए. देखिए क्या होता है, वंस देयर इज अ लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स हैपन. फिजिकल प्रॉब्लम तो है, हम टॉयलेट तक शायद पहुंच नहीं पा रहे, हमें शायद मोटापा है, हमारे पैरों में शायद आर्थराइटिस है, हम शायद वो कुछ वॉकर के हिसाब से चलते हैं. साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हमें यूरिन लीक हो जाएगा, हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है. सोशली इसका लीक होता है कि हम आजकल पार्टीज में जाते नहीं, हम ये ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं करते, बस में ट्रैवल ही नहीं करते. ऑक्यूपेशनल या फाइनेंशियल उन लोगों के लिए जो बैंक में बैठे हुए उनको पढ़ना है, सेक्सुअली हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते. सो लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल ब्रिंग्स अबाउट अ होलिस्टिक ट्रबल टू द एंटायर लाइफ, टू पार्टनरशिप एंड टू योर लाइफस्टाइल. एग्जांपल देखते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं, 27 साल की युवती है जिनका चेहरा हमने ढका हुआ है. ये कहती है कि माई बॉयफ्रेंड एंड आई डोंट गो आउट वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम. कैसा प्रॉब्लम है मिस देवी? इफ आई गो आउट लेट्स से टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, द फर्स्ट थिंग इज आई लुक फॉर इज अ टॉयलेट. अरे डिपार्टमेंटल स्टोर गए हैं तो अच्छे अच्छे शोरूम्स को देखिए, वहां कुछ खरीदिए आपके लिए. आप डिपार्टमेंटल स्टोर में टॉयलेट क्यों देखती है? इफ आई कांट फाइंड अ स्टोर, आई कांट फाइंड अ टॉयलेट, आई लीव द स्टोर. मेरी प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, मतलब मैं कहीं भी गई तो पहले टॉयलेट की मैपिंग करती हूँ कि इस शहर में जहां मैं रहती हूँ, जहां मैं काम करती हूँ, टॉयलेट्स हमारे हमसे कितना पास है, वगैरह वगैरह. तो ये एक तरह का चीज है जिससे वो काम चला रही हूँ. 67 years old मिसेस राव ये कहती हैं, डॉक्टर पांडे ये प्रॉब्लम इतना मुश्किल है कि मैं इस शहर में जहां हम और आप रहते हैं वहां मैं बस में चढ़ती नहीं हूँ क्योंकि वो ड्राइवर रोक नहीं पाएगा जब हमें पेशाब लगेगा. डॉक्टर पांडे मैं आपके तरह काले पैंट पहनती हूँ ताकि अगर यूरिन लीक हो जाए तो कोई जान ना पाए, और मैं पैड्स पहन के चलती हूँ कहीं हमें यूरिन लीक ना हो जाए. तो क्या होता है, लोग अपना काम चला लेते हैं, लोग किसी तरह से अपनी दिनचर्या को चला लेते हैं, लीक होते रहते हैं, पैड्स पहन लेते हैं, डार्क क्लॉथ्स क्लोथिंग्स पहन लेते हैं, पानी कम पीते हैं, बसों और ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं और अपनी चीजों को रिपोर्ट नहीं करते. ये मुश्किल है. तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग पूछिए, आप डायपर्स 2-2 साल 10-10 साल से पहन रहे हैं और ये उन्हें नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है. तो मैंने बताया कि ये पैथोफिजियोलॉजी, हमने फिजियोलॉजी समझाई थी आपको, बैलेंस ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अब पैथोफिजियोलॉजी जो गड़बड़ है वो क्या है? इनअप्रोप्रिएट, इनवॉलेंट्री, अनप्रेडिक्टेबल डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्शन. डेट्रूजर वो ब्लैडर की मसल है. ड्यूरिंग द फिलिंग फेज, जब ब्लैडर स्टोर कर रहा है, जब ब्लैडर फिल कर रहा है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये ब्लैडर एक ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ये ब्लैडर किसी की बात नहीं मानता और ये इडियोपैथिक कंडीशन है. ये कोई यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है पर है नहीं इन्फेक्शन. ये कोई ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है पर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं. ये 25 से 35 साल की युवती या पुरुष है और इनमें कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर जो इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम के कारण भी नहीं है, जहां ब्लैडर बहुत ज्यादा जागरूक है, जहां उसकी अंदर की लाइनिंग जैसे हमारी मुंह की लाइनिंग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई, ऐसी नहीं है. तो इनअप्रोप्रिएट, इनवॉलेंट्री, अनप्रेडिक्टेबल डिट्रूजर कॉन्ट्रैक्शन, कब कहां ना जाने किस देश में कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और यूरिन लीक कर जाए, ये अपने में अच्छी बात नहीं है और इसे हमें जानने की जरूरत है. इसी चीज को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कह रहे हैं. और याद रखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर आज है तो कल शायद और भी स्ट्रांग हो सकता है. पुरुषों में कम कॉमन है, औरतों में ज्यादा कॉमन है, यंग लोगों में कम कॉमन है, बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है.
तो बुजुर्गों में ऐसे भी बहुत से दोस्त होते हैं जिसमें आर्थराइटिस है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, चलने की इश्यूज है, पार्किंसनिज्म है, ये सब अनफॉर्चुनेट दोस्त जुड़ जाते हैं वृद्धावस्था में। उसमें अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है तो आदमी यूरिन कंट्रोल ना कर पाए, बेचारा लाठी लेके चलता है, पैरों में घुटनों में दर्द है, उनकी ओबेसिटी है, उनकी सांसों की मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो हमें जानना पड़ेगा कि एज के साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या चीज से सफर करते हैं, और शायद हमने कभी गौर ही नहीं किया। क्या किसी डॉक्टर ने ये गौर किया और कभी किसी युवती को पूछा कि आपकी यूरिन लीक होती है क्या? पता चला वो बोलेंगे मैं तो डायपर में रहती हूँ डॉक्टर पांडे। सिमिलरली हमने अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी पूछा क्या कि आपको यूरिन लीक हो जाता है? वो बोलेंगे बेटा ये तो पिछले 2-4, 10 साल, 20 साल से चल रहा है, मैं तो कहा था मेरे को डॉक्टर को दिखा दो, या किसको दिखाना है ये बताओ तो सही। तो अनफॉर्चुनेटली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद प्रायोरिटी बन जाती हैं और ये शायद प्रायोरिटी से छूट जाता है, और फिर हम बिल्कुल अपने आप को मायूस, डिमोरलाइज, डेस्परेट पाते हैं। या यूरिन लीक हो रहा है, स्मेल हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, हम काम चलाए जा रहे हैं और कुछ दवाइयां दी जा रही जिसके साथ हम काम चला रहे हैं। तो आज ये सब शैकल्स को तोड़ना है। इनकॉन्टिनेंस इज अ साइलेंट मेनेस, वी नीड टू ब्रेक द शैकल्स, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कंप्लीटली। तो मैं कह रहा था कि दिस इंक्रीजेस विद एज, इंक्रीजेस बोथ इन मेन एंड वुमेन, एंड इट्स सच अ सैड सिचुएशन। इसकी गाइडलाइंस हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये मेरी और आपकी फैंसी से ट्रीटमेंट नहीं होता, एक क्लिनिशियन आपके साथ डायग्नोस्टिक प्रोसेस में लगता है, वो आपसे बातचीत करता है, वो वॉइडिंग की डायरी समझता है कि आपकी किस किस टाइम पे लीक होता है, उस टाइम पे आप क्या बहुत चाय पी रहे हैं, बहुत कॉफी और कोला पी रहे हैं, रात को बहुत अल्कोहल पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशाब बन रहा है, आप क्या डायुरेटिक्स, लैसिक्स वगैरह ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये वो भी जानने की कोशिश करता है कि आपकी यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आपका यूरोलॉजिस्ट जानने की कोशिश करता है कि आप यूरिन पास करने के बाद पूरा ब्लैडर खाली होता है कि नहीं। इस तरह की क्वेश्चन है, इसके आधार पे हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस के अंदर है। टू डायग्नोज एन ओए भी 2 मिनट लगता है, आपने बोला और मैं समझ गया, लेकिन उसको फिर एक प्रक्रिया में आगे ले जा करके उसको ट्रीट करना, और ट्रीट करते वक्त हैंड होल्ड करना, और फिर आपको ट्रीटमेंट और क्योर और वो स्पार्कल लाना, उसके लिए हम गाइडलाइंस के अधीन रहते हैं, और ये गाइडलाइन चेंज होती रहती है, तरीके और ट्रीटमेंट्स की जो प्रक्रिया है पूरी बदलती रहती है। तो हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या रहता है? एक डॉक्टर, एक यूरोलॉजिस्ट जो यहाँ बैठा हुआ है, उसका गोल है कि हम यूरिनरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस को एलिमिनेट करें, आपका यूरिन लीक ना होने पाए, आप टॉयलेट में आराम से पहुंचे, सोशली कॉन्टिनेंट कंडीशन में जिप खोले, यूरिन पास करें, अपने आप को अनजिप करें, अपने बाल संवारे और फिर बाहर निकले। ये एक है, एलिमिनेट अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लीक ना हो। दूसरा, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी के एपिसोड को जरा घटा दें, ये आपको बार बार भागने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा कंट्रोल की मैकेनिज्म बढ़ा दे। ये क्या 100 ml, 50 ml, 200 ml भरा और ब्लैडर बोलता चलो अब सुसु करो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी ब्लैडर की एडल्ट कैपेसिटी 350 से 500 ml है, उतना अगर आप ब्लैडर रोक पाए तो मजा आ जाए, फिर आप दिन में 2 से 5 से 8 बार यूरिन पास करेंगे, पर आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी वॉलेंट्री कंट्रोल से पास करेंगे, इनवॉलेंट्री कंट्रोल या इनकॉन्टिनेंस से लीक नहीं करेंगे। आपकी कॉन्टिनेंट मैकेनिज्म जो आपके पेरेंट्स की टीचिंग के द्वारा ब्लैडर के भरते रहने और एडल्ट कैपेसिटी में पहुंचने के द्वारा उस लेवल को पहुंचिए, उसके बरकरार रखने की कोशिशों में आपका भागीदार होना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर बिकॉज यू ऑल आर एम्बेसडर्स टुडे, इसकी ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। इसकी ट्रीटमेंट लंबा चलता है बिकॉज आप इतने दिनों से सफर भी कर रहे थे, कुछ चीजें हो रही थी वाइंड, उनको अनवाइंड करने की जरूरत है। सो टू गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वी नीड टू एंश्योर ट्रीटमेंट कंप्लायंस, और इसलिए हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और उनकी एक्सपेक्टेशंस को रीच करने के लिए अपने गोल्स बड़े स्ट्रांग रखते हैं। ये देखिए, पत्थर की बीमारी नहीं जहां डॉक्टर एक पत्थर निकाल के ट्रीटमेंट कर गया, एक कैंसर की बीमारी जहां आप रोबोटिकली हमें कैंसर को प्रोस्टेट से या किडनी से निकाल देते हैं, वो हम हर दिन करते हैं, उसमें हम खुश होना चाहते हैं कि हमने पूरा कैंसर निकाला, हमने पूरा पत्थर निकाला, बीमारी ठीक हो गई। ये आपके और मेरे जहन में है बिकॉज इसमें हम आपके एक्सपेक्टेशंस को रीच करना चाहते हैं, आपकी यूरिनरी कंट्रोल को ये करना चाहते हैं कि आप डायपर्स में ना रहें, आपकी यूरिन यहां वहां व्यथा लीक ना हो जाए, आपकी कॉन्टिनेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म वापस आ जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। फ्रेंड्स, हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक। वो वीक है जहां हम जागरूकता फैलाते हैं पूरे देश और दुनिया में, सोसाइटी के हर उस एम्बेसडर को जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से सफर करता है, वो कोई नर नारी हो, वो कोई पुरुष हो, वो कोई बच्चे हो, वो कोई बुजुर्ग हो, हर किसी को पता होना चाहिए कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, इज अ कंडीशन विच कैन बी कंप्लीटली कैप्चर्ड एंड ब्रॉट अंडर अ कॉन्टिनेंस और अ कंट्रोल मैकेनिज्म। तो इसे क्यों सफर करें? तो आज इस प्लेटफॉर्म पे जहां वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक पे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें मालूम है कि इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। हम भागते हैं, जल्दी टॉयलेट पहुंचते हैं, चाबी खोलते हैं, दौड़ते हैं, कभी हमारे टॉयलेट यूरिन लीक हो गया, हम टॉयलेट पे बैठे रहते हैं, और कभी बहुत बार यूरिन बार बार जाते रहते हैं। ये पूरी चीज को ट्रीटमेंट करना हमारा आपका काम है। ये था ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें ब्लैडर अशांत हो चुका है। जो ब्लैडर शांत आराम से धीरे धीरे भरता था और भरते हुए चुप रहता था,
और सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता था जब आप टॉयलेट पे पहुंचे और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करा, वो अब अशांत हो चुका है. सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज ट्रीटेबल, इट्स क्यूरेबल, इट नीड्स इट्स ओन टाइम टू बी इवैल्यूएटेड, टू गो अप द लैडर बाय अ प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय अ यूरोलॉजिस्ट इन योर सिटी, इन योर कंट्री. एंड डोंट मिस आउट दिस गोल्डन चांस ऑफ बीइंग एन एम्बेसडर फॉर द सब्जेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स हु सफर फ्रॉम इनकॉन्टिनेंस बट सैडली कैनॉट स्पीक अप. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. हम सब इस पैंडेमिक में स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं, पर ये उस स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है. ये मेंटल स्ट्रेस की बात, फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं है. ये स्ट्रेस वो है जो पेट के लोअर पार्ट में या पेल्विक के लोअर पार्ट में स्ट्रेस पहुंचता है. वो कब पहुंचता है? जब हमारी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ती है. व्हेन वी स्ट्रेन टू पास मोशंस, हम पेट से जोर लगा के मोशन पास कर रहे हैं, हम स्ट्रेन कर रहे हैं. वैसे ही हम अगर स्ट्रेन कर रहे हैं और यूरिन लीक हो जाए तो हम इसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. स्ट्रेन किस तरह की? एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग. तो उससे जरा गौर करते हैं. लीकेज ऑफ यूरिन विथ मिनिमल स्ट्रेस. हमने चलना शुरू किया, हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हमने दौड़ना शुरू किया, हम क्लाइंब कर रहे हैं स्टेयर्स, हम कहीं बेस्ट बस पे दो पांव ऊपर चढ़े, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, इस जमाने में योगा कर रहे हैं, हम बेंड कर रहे हैं घर में सफाई करने के लिए, हम बेंड कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और अगर हम हंसना शुरू किए और छींकना शुरू किए और यूरिन लीक हो गया तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. फ्रेंड्स, लीकेज ऑफ यूरिन इन मिनिमल स्ट्रेस ऑन द एब्डोमेन, ऑन द पेल्विस, व्हाइल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एक्सरसाइज, योगा, बेंडिंग, लाफिंग एंड स्नीजिंग एंड कॉफिंग इज कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट इज एन एक्सक्लूसिवली वुमेन्स डिजीज. ये पुरुषों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती. पुरुषों को प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोस्टेट सर्जरी में कुछ स्फिंक्ट्रिक इंजरी हुआ है, स्फिंक्ट्रिक ट्रबल हुआ है, तभी पुरुषों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्ट्रेस काइंड होता है. खांसी किए चले, खांसी की और यूरिन लीक हो गया पुरुषों में, तो उनकी ट्रीटमेंट है, वो हम करते हैं. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उतनी सारी औरतों को जिनको पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट मेनोपॉजल, एल्डरली एज ग्रुप में यूरिन लीक होता है. कब? जब ब्लैडर ओवर एक्टिव है तब नहीं, जब वो खांसी कर रहे हैं तब यूरिन लीक हो रहा है, जब वो हंस रही है तब यूरिन लीक हो रहा है, जब वो बसेस में चढ़ रही है, जब वो स्टेयर्स चढ़ रही है, तो या नमाज पढ़ने के लिए जब बेंड कर रही है तो. सो दिस इनकैपेसिटेट्स वुमेन इन द पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप. उस एज ग्रुप में जब इनको ये मुश्किल होती है, और औरतों को यंग एज में भी हो सकती है, हम आज जगाना चाहते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म से, दिस इज कंप्लीटली ट्रीटेबल. हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों डायपर्स पहन रहे हैं? थोड़ी मुश्किल हमारी रही होगी, हम सब डॉक्टर्स की, कि हम लोगों ने एक औरत को पूछा ही नहीं कि आपकी यूरिन लीक होती है क्या. वो बोलेंगी, बेटा ये तो मेरे को 2-10 साल से हो रहा है, मैं तो डायपर पहनती हूँ. और हम अचंभित हो जाते हैं कि आप डायपर क्यों पहनती है, ये तो बिल्कुल ट्रीटेबल है. तो मेरे लिए जरूरी है आप सबको याद दिलाना कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज अ फीमेल फिनोमेना. इट कैन हैपन पोस्ट डिलीवरी, जहां हम कीगल एक्सरसाइजेस के द्वारा, जहां हम पेल्विक स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इंप्रूव कर लेते हैं. इट कैन ऑल्सो हैपन पोस्ट मेनोपॉजल, आफ्टर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, आफ्टर हॉर्मोन्स हैव गॉन, उम्र बढ़ चुकी है, एंड फ्रॉम अ वुमन ऑफ यंगर एज ग्रुप टू अ मिडिल एज टू एन एल्डरली टू अ जेरियाट्रिक एज ग्रुप, पेल्विक फ्लोर वीक होता जा रहा है, पेल्विक फ्लोर डिसेंट हो रहा है, और वहां पर लीक हो सकता है. हम उसके लिए यूरोडायनामिक्स करते हैं, पेशेंट को पहचानते हैं, समझते हैं, एग्जामिन करते हैं, और फाइनली इन सबको क्योर करते हैं. दिस इज कम्प्लीटली क्यूरेबल फिनोमिना. इसमें ट्रीटमेंट की बात ही नहीं है, बिकॉज इसमें दवाइयां काम नहीं आते, इसमें हम छोटी सी एक सर्जरी करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं. सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डोंट लिव इट अ साइलेंट मेनेस, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है. अदरवाइज औरतें एक लो सेल्फ एस्टीम, रेस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टाइल, डायपर्स पहन के एक एम्बरेसमेंट और आइसोलेशन में अपनी गुजर बसर करती हैं उस उम्र में, दे कुड बी अ वेरी एलिट क्लास और दे कुड बी अ वेरी मिडिल क्लास. ये चीज ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली इज एक्सक्लूसिवली अ वुमेन्स फिनोमिना. और ये ट्रीटमेंट करना है बिकॉज दे शुड गेट बैक लाफ्टर देयर बेस्ट मेडिसिन. दे शुड बी एबल टू लाफ, रन, जंप, कॉफ, डू योगा, द एक्सरसाइज दैट इज टुडेज ऑर्डर ऑफ द डे, एंड टू बी एबल टू लिव अ लाइफ विदाउट हैविंग ट्रबल व्हेन दे बेंड फॉर नमाज, व्हेन दे बेंड टू वर्क, एंड दे आर एज फिट एंड एज नॉर्मल एज दे वेयर इन द पास्ट. सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज ट्रीटेबल. वेक अप टू अ फिनोमेना दैट इफ अ वुमन इज लीकिंग, कॉफिंग एंड लीकिंग यूरिन, स्नीजिंग एंड लीकिंग यूरिन, एंड लाफिंग एंड लीकिंग यूरिन, एंड इज लिविंग ऑन लाइफ ऑन डायपर्स, शी इज ट्रीटेबल. डायपर्स पे अपनी जिंदगी न गुजारे, डायपर पैड और डायपर वुमेन न बने, ये ठीक हो सकता है. Therefore, urinary incontinence in men and women is a silent woman menace. Only you can help break the silence. हम आपको सब जगा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, आपके घरों तक इस इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म लुपिन के द्वारा पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचना जरूरी है. फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इससे पहले कि हम इसे बंद करने की कोशिश करें और आपको इस जागरूकता में आगे ले जाएं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इनकॉन्टिनेंस को लेकर के, जो इसके बारे में, आप अवश्य लिखें, अवश्य हमें समझाएं, अवश्य पूछें, हम उन क्वेश्चंस को इस प्रोग्राम के अंत में आंसर करने को तैयार हैं. फ्रेंड्स, हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बात कर रहे हैं जो 2017 में हम लोगों ने कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लॉन्च किया था. यह था कंट्री का पहला नॉक्ट्यूरिया और बेडवेटिंग क्लिनिक. नॉक्ट्यूरिया क्या होता है?
नॉक्टूरिया भी वैसी एक साइलेंट और अनमेट नीड है जिसमें एक्सेसिव नाइट टाइम यूरिनेशन हो रहा है। शायद यंग एज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम है। 50-60 साल के बाद हम सब बुजुर्ग की तरफ जाने लगे, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे हार्मोन्स में चेंज होता जाता है और नॉक्टूरिया या रात को बार बार उठना अनफॉर्चुनेटली कॉमन प्रॉब्लम होती है दो कारणों से। एक, हमारी जो रात की नींद है वो थोड़ी शिथिल और कमजोर हो जाती है और हमारी रात की यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक तरह से हमारी स्लीप इतनी माइल्ड है कि हम रात को सिर्फ टॉसिंग इन द बेड ही कर रहे हैं और रात को ब्लैडर बार बार भर रहा है, तो हम शायद बार बार पेशाब करने जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जगाना कि नॉक्टूरिया और एक्सेसिव नाइट टाइम यूरिनेशन अगेन इज ऑल्सो रिलेटेड मोर टू एज। मोर ऑफ एल्डरली पीपल मोर इन द 60s 70s 80s सफर फ्रॉम मल्टीपल टाइम्स एट नाइट। कोई 5 बार जाता है, कोई रात को 9 बजे जाता है और पता नहीं किसके पास जाना है और सोचते हैं जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारे काले बाल सफेद हो रहे हैं वैसी शायद ये भी हो रहा है बेटा, और चलो काम तो चल रहा है। लेकिन ये लोग याद रखिएगा, इनको वॉकिंग स्टिक चाहिए, इनको लाइट्स चाहिए, ये शायद फिसल के गिर सकते हैं, इनको आर्थराइटिस है, इनको पार्किंसनिज्म है, इनकी सांस की दिक्कत है, इनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स है। ये लोग वो बुजुर्ग हैं जो हमारे सोसाइटी में हमारे क्रीम रहे हैं और आज उस लेवल को जा चुके हैं जहां हम सब कभी ना कभी जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेक अप। नॉक्टूरिया इज सच ए साइलेंट मेनेस। रात को बार बार पेशाब जाना और किस डॉक्टर को दिखाना ये पता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एन्यूरेसिस या बेडवेटिंग। हम बेडवेटिंग उसे कहते हैं जो 6 साल से 15 साल के बीच में है। पहले 5 साल तक आपकी मदर आपको ये सिखा रही है बेडवेटिंग न होने के लिए, अलार्म क्लॉक्स आपको जगाना, आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन 6 साल के बाद भी बच्चा अगर बेडवेटिंग कर रहा है और वो 12 साल का है 15 साल का है और इसे हमने अगर ट्रीट नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं कि उम्र के साथ हर किसी की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये इतनी ऑटोमेटिक फिनोमेना नहीं है, ये और है कि ब्रेन और ब्लैडर की रिदम डेवलप होती जाती है, लेकिन कभी कभी ये इनकॉन्टिनेंस आपको तंग कर दे। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो 15 से 18 साल के हैं और अब हॉस्टल में शिफ्ट करना चाहते हैं लेकिन शिफ्ट करने को तैयार नहीं है बिकॉज वो हर रात बेड वेटिंग करते हैं। हमारे पास ऐसी युवतियां आती हैं जो 24 से 28 साल की हैं, उनकी शादी होने वाली है, एक तरफ शादी का कार्ड छप रहा है, दूसरी तरफ उनको रात को बेड वेटिंग होता है, वो कहां शादी को तैयार हो पाएंगी। सो यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ नाइट इन द टॉयलेट इन द वॉशरूम्स और बेड वेटिंग, और यू वॉन्ट टू मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, यू वॉन्ट टू मेक इट ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। और इसलिए एक मोटो था जो हमने फॉलो किया, हम लोगों ने लोगों को एडिटोरियल के द्वारा जगाया और 2017 अप्रैल में हमने एक बड़ा सा एडिटोरियल छापा, उसमें लिखा था नॉक्टूरिया या नाइट टाइम यूरिनेशन या एन्यूरेसिस बेड वेटिंग इज ट्रीटेबल कंप्लीटली। और लोग इतने दूर, यहां से 2.5 घंटे दूर थाने, वहां से उस जमाने में उस ट्रैफिक को ये पेपर को लेके आए और कहे आपने ये क्या लिखा हुआ है, सच है क्या कि आप ये ट्रीट कर सकते हो और कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। हम तो हर रात बेड वेटिंग कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो 15 साल 18 साल का है, हर रात बेड वेटिंग कर रहा है, हम तो रात को 5 से 9 बार जाते हैं। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं आप 5 से 9 बार, हमने ये जगाने के लिए तो आपको ये किया है। जैसे आज लुपिन और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की इस गठबंधन में आज शाम को इस वेला में हम वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में आप सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात को 2 से 5 बार और 9 बार यूरिन पास करने जाना नहीं है, रात को बेड वेटिंग बुजुर्गों में बच्चों में होने की जरूरत नहीं है और हमें अपनी यूरिनरी कॉन्टिनेंस कंट्रोल पे पूरा कंट्रोल लाने और लाने की जरूरत है, हम ये जगाना चाहते हैं। तो इसलिए जगाना बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों में बेड वेटिंग होती है ये गलत है और उनको हम डांटें, उनको डांट थपड़े करें वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम उन बच्चों को सच समझा ना पाए वो डीप स्लीप में है, उसके लिए अलार्म क्लॉक का जरूरत, पेरेंट्स का योगदान, कुछ दवाइयां और उनको समझाने की जरूरत है। तो बच्चे जो 6 से 15 साल के बेड वेटिंग कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है बिकॉज उनकी मोरल, उनकी परफॉर्मेंस घटती जाती है, ये सब मदर्स और फादर्स को मालूम है। तो इसके लिए क्यों इंतजार करें, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में हम ये नॉक्टूरिया और बेडवेटिंग की क्लिनिक जो कर रहे हैं ये आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में भी देखते हैं। ये और बात है कि हमने उसे एक नाम दिया हुआ है, उसे हमने एक लोकेशन दिया हुआ है और ये एक तरह की वॉक इन क्लिनिक है। आप दोपहर में अगर किसी बच्चे को बेडवेटिंग है और कोई भी पुरुष जिसको रात को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो कृपया कल के बाद इंतजार न करें। यू शुड बी मोटिवेटेड एनफ कि योर फादर्स एंड योर ग्रैंडफादर्स गेटिंग अप मल्टीपल टाइम्स एट नाइट एंड योर चिल्ड्रन बेडवेटिंग इन द नाइट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। उनको उनके डॉक्टर के पास मिलना ही जरूरत है, उनको अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलना ही जरूरत है। हम एक और एस्पेक्ट टच करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की चेंजेस, जो पुरुषों में होता है। 40-50 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। ये एनलार्जमेंट बहुत ही कॉमन शब्द है जो हर पुरुष आज गूगल में और अपने अल्ट्रासाउंड और हेल्थ चेकअप में जानता है, लेकिन मैं एक यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोस्टेट एनलार्ज होते होते यूरिनरी पैसेज को कैसे ब्लॉक कर रहा है, और अगर वो ब्लॉक करता जा रहा है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा तो ये ब्लैडर कैसे खाली करेगा। ये ब्लैडर को तो पता है कि ब्लैडर भरता है और ब्लैडर खाली करता है। तो आप ये बताइए, ग्रेजुअली फ्रॉम 50s टू 60s हर किसी की प्रोस्टेट अंडरगो कुछ हार्मोन की चेंज होती है और वो हार्मोन की चेंज के द्वारा पेशाब का रास्ता धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइट होता जा रहा है और बंद होता जा रहा है।
किसी पुरुष से पूछिए 50 60 70 80 की उम्र में आपका पेशाब खुल के आता है क्या, आप दीवार के उस पार तक यूरिन पास करते हैं, बोलते नहीं बेटा अब हमारा पेशाब खुल के नहीं आता, पति धार आती है, रुक रुक के आती है, जोर लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ब्लैडर कैसे पेशाब खाली करे, तो ब्लैडर एक सेकेंडरी ओवर एक्टिविटी सीख लेता है जिसमें वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है। पुरुष जिनकी फ्लो खुल के नहीं आ रही थी और जो दवाइयां खाए जा रहे थे और काम चला रहे थे, जब उनकी यूरिनरी लीकेज शुरू होती है जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ब्लैडर की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एक तरह की एक कॉम्पेंसेटरी फिनोमेना है, तो वो आते हैं और बोलते हैं मेरी यूरिनरी लीकेज हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे कपड़े में लीक हो जाता है, रात को बार बार जाता हूं। और हम जब पूछते हैं कि पेशाब कितने साल से रुक के आ रही है, बहुत साल से रुक के आ रही है, तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कैन ब्रिंग अबाउट एन ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम सबको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। और ये अगर डिकम्पेंसेट होता जाता है और ब्लैडर बेचारी हारने लगती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करके खाली करती है, उसे डर है कि पेशाब बंद ना हो जाए। तो देखिए कितनी कंप्यूटराइज बॉडी है, एक चीज गड़बड़ हुई तो दूसरी चीज उसका कंपेंसेशन करने की कोशिश करती है, तो ब्लैडर कंपेंसेट करके पुश करने की कोशिश करती है, और वो पुश करना आपको फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बार बार जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है, लीक हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये अपने में जानने की जरूरत है। तो ये चेंजिंग प्रोस्टेट हेल्थ में यूरिनरी पैसेज रास्ते को ब्लॉक कर रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा और धीरे धीरे आ रहा है, और ये धीरे धीरे आते आते एक समय के बाद ब्लैडर ने अपनी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाई और कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको यूरिन लीक होता है। तो एक तरफ रुकावट है, दूसरी तरफ लीक हो रहा है। तो पुरुषों में ये प्रॉब्लम कॉमन है, या तो वो स्टोरेज सिम्टम्स लेके आते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम लेके आते हैं। कुछ लोग आके बोलते हैं मेरी पेशाब रुक के आती है डॉक्टर पांडे, कुछ लोग बोलते हैं मेरा पेशाब तो बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, और दोनों को ही हम इंटरोगेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा इस टेबल पे फ्रेंडली तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, उनके सोनोग्राफी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज अपने बारे में पहचानने की जरूरत है और वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट आपसे बात करते हैं, और याद रखिएगा अभी भी एक डॉक्टर जो आपके टेबल के उस तरह बैठा हुआ है वो आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को जानना चाहता है। आपके गूगल रिपोर्ट्स और आपके बड़ी बड़ी हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स देखने को इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। आप इतनी मोटी मोटी फाइल्स और आपकी शुगर की रिपोर्ट और आपकी लिपिड प्रोफाइल और आपकी वो सब रिपोर्ट लाते हैं जिसकी खास जरूरत नहीं होती। अगर एक स्पेशलिस्ट के पास आते हैं जो यूरोलॉजिस्ट है, तो वो बिल्कुल फोकस्ड है आपकी यूरिनरी, आपकी किडनी और आपकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि आपकी यूरिन की कंट्रोल कैसी है, आपकी यूरिन कितनी बार लीक हो जाती है, रात को कितनी बार जाते हैं। ये सब बातचीत होने के बाद वो एक स्कोरिंग करते हैं, फिर आपको बेड पे एग्जामिन करते हैं और फिर बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं जिसमें आपको यूरिन टेस्ट करने को बोलते हैं। याद रखिएगा कोई भी यूरिन सैंपल जब आप देते हैं तो वो मिड स्ट्रीम और क्लीन कैच स्पेसिमन ही होना चाहिए, वो सुबह 6 बजे का हो या 10 बजे का हो या शाम 4 बजे का हो। आप नीचे के गुप्तांग को अच्छे से क्लीन कर लिया, चमड़े को पीछे कर लिया, वॉश कर लिया, या युवतियों ने अपने लोअर पैसेज को अच्छे से वॉश कर लिया, और उसके बाद पेशाब करते हो, पहला पेशाब छोड़ के बीच का पेशाब ही दें, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्टर सोनोग्राफी करके अंदर की बात समझने की कोशिश करते हैं और यूरोफ्लोटर से जानते हैं कि कितनी रुकावट है। कुछ एडवांस टेस्ट की जरूरत पड़ी तो यूरोडायनामिक्स करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, ये सब आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपके यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक जाना है। शायद बातचीत से ही आपको पकड़ लें, आपकी ट्रीटमेंट से बातचीत से ही शुरू हो जाए, कुछ बेसिक टेस्ट के बाद शुरू हो जाए, टेस्ट शायद अगली बार हो, इस बार आपको कंट्रोल ले आए। तो ये एक बॉटम लाइन है जहां कि एक यूरोलॉजिस्ट आप में इंटरेस्टेड है, आप इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने साल से सफर कर रहे थे और आपको ट्रीट करके ठीक करने के लिए ये उनकी ये मुहिम है कि कैसे उसको आगे ले जाए। तो फ्रेंड्स यू हैव माइल्स टू गो, वर्ल्ड पार्किंसन वीक विल कंटिन्यू टू हैपन इन 2022 एंड 2023 ऑल्सो लाइक इन मेनी मेनी ईयर्स इन द पास्ट। What got us here will not get us there unless we understand the subject. And therefore, awareness amongst all your patients, that means all people in the society, is very important. Our clinics and our teams should have the vibes to take it forward to you. Our team members should look at incontinence. मैं तो मानता हूँ कि हमारे पास एक incontinence day हर हफ्ते होना चाहिए, हमारे पास एक incontinence week हर हफ्ते, हर महीने होना चाहिए, और एक incontinence month हर साल होना चाहिए। किसी न किसी बहाने हम इतने आम हो कि हम लोगों को जगाते रहे पूरे साल, तो आज ये पूरे हफ्ते हम आपको जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि माइल्स टू गो बिफोर यू कैंपेन फॉर योर इनकॉन्टिनेंस। हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, एज आई गॉट ओल्डर माय इनकॉन्टिनेंस बिकेम वर्स, आई एम सो ग्लैड आई डिड समथिंग अबाउट इट एंड सॉ अ यूरोलॉजिस्ट, नाउ आई कैन एंजॉय माय लाइफ अगेन। और जब मैं अपने कलीग्स फिजिशियंस को बात करता हूँ, जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलता हूँ, जब अपने बाकी कलीग्स को बोलता हूँ, हम सबको बोलते हैं कि आप भी अपनी कैंपेन को इतना ऊंचा रखिए जहाँ इनकॉन्टिनेंस को आप समझिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने युवतियों को, सबको ये समझाइए। सो इट्स टाइम फॉर गायनेकोलॉजिस्ट टू टेक चार्ज, टाइम फॉर फिजिशियन टू टेक चार्ज, बट टूडे इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक इट इज इंपॉर्टेंट एंड टाइम फॉर ईच मेंबर इन दिस ऑडियंस एंड ईच पर्सन इन द सोसाइटी टू टेक चार्ज, बिकॉज स्टिल 9 to 43% ऑफ इंडिविजुअल्स हैव गॉट ओवर एक्टिव ब्लैडर।
Majority of women in elderly age group, post-pregnancy, post-menopausal have got stress incontinence. Many children from age of 66 to 15 years have got bedwetting. Many elderly people who can't control urine because of geriatric incontinence leak in the bed, leak before they reach the toilet because they can't walk and reach the place. So campaign for incontinence has to be very, very strong by all of us. Friends, if we always do what we've always done, we will always get what we've always got. And therefore, on a World Continence Week, let's take the pledge. Let's promise to ourselves our failures in the past will have stepping stones to success. Otherwise, a wonderful platform as wonderful as this, in the relaxed hour that you are in, which has been made by Lupin, has to bring it to you that we need to wake up. It's a wake-up call. It's a wake-up call for me and for you that all unnoticed and underreported conditions have to be brought to the forefront. आप शर्माते थे, आप घबराते थे, आप डायपर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन आप अगर हॉस्टल जा ना पाए बिकॉज आप बेडवेटिंग करते हैं, आप अगर शादी ना कर पाए बिकॉज आप बेडवेटिंग करते हैं, आप अगर स्कूल जाते हैं और इतने मायूस है बिकॉज आप रात भर बेडवेटिंग कर रहे हैं, आप रात भर जगे में बिकॉज आप 2 से 5 बार यूरिन पास कर रहे हैं और आपको नॉक्ट्यूरिया हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में कोकिला में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल पे सेकंड फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में हम आपको अभी भी ठीक करना चाहते हैं और ठीक ही करना चाहते हैं. आपके यूरोलॉजिस्ट हर शहर में आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से ठीक ही करना चाहते हैं. यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहना चाहूं कि स्पाइन और ब्रेन ये दोनों इंपॉर्टेंट नर्व की सेंटर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, और ये दो सेंटर्स एक्चुअली कंट्रोल मैकेनिज्म्स को लाते हैं. अगर इन दोनों सेंटर्स में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो ये प्रॉब्लम आपकी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को एरेटिक कर सकती है और कहीं ना कहीं आपको न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम रही है, जिनको पार्किंसनिज्म है, जिनको सेरेब्रल पैल्सी है, जिनको स्पाइन की कोई डिजीजेस है, स्पाइन की एक्सीडेंट्स है, या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम रही है, इन सब की जो यूरिनरी लीकेज होती है जिनको हम डायपर्स पे छोड़ देते हैं, ये गलत है. उन सबको इन्फेक्शन होते रहता है, उनका ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है, उनको इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट होती रहती है, वो डायपर्स पे पड़े रहते हैं, इन सब की ट्रीटमेंट अवेलेबल है. न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस एक बहुत ही साइलेंट और हिडन प्रॉब्लम है जो हम सब के अधीन है. हम सब उसे आइडेंटिफाई करें, और किसी को अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को अगर ब्रेन की प्रॉब्लम रही है, ये सारे न्यूरोजेनिक डिजीजेस में, तो उनका ट्रीटमेंट हम सबको आगे ले जाना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, failures are sincerely stepping stones to success. Today, that we have learned from our failures, that we decided to come to this strong platform, incontinence will always be a jigsaw puzzle. On a World Continence Week, we are on threshold of solving this forever for everybody who goes through it, provided we wake up to an early identification. वही मैंने नीचे लिखा हुआ है. These jigsaw puzzles can only be solved if we identify, if we become good team members, and probably identify and take it forward. So incontinence is treatable, it's curable. Finding a cause is a job of a doctor. Your job is to report it to your urologist in time. You do that and you get sorted out. Because your urologist is a doctor who is interested in urinary issues. So why not see him? Why live on a subclinical and on a treatment which is not helping you out? Ye aapke liye zaruri hai ki agar aap treatment pe hain aur wo kaam nahi aa raha, agar aap treatment pe bilkul nahi ho aur diapers pehen rahe, और दोनों में से कुछ भी नहीं है, और मिसेस देवी और मिसेस राव की तरह अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर छोड़ के चले जाते हैं, या ब्लैक पैंट्स ही पहनते हैं और डायपर्स पे रहते हैं, तो आज आपके लिए आइडेंटिफिकेशन इज द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट. सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल यूरोलॉजिस्ट इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल कॉन्टिनेंस प्रोग्राम इज दिस इंट्रिकेट टीम वर्क विच टुडे कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, and in Lupin India has taken up as a revolutionary, really worthy, making worthwhile to reach to each of you in the society. Aap tak pahunchna hamare liye zaruri tha, aur ye World Continence Week mein to pahunchna hi tha. Main apne YouTube channel pe bolte rehta hu, logon ko jagate rehta hu, aur log dekh le ke dur dur jagahon se aate hain, lekin aaj is continence platform se agar hum jag paaye is important sunahre mauke pe, to sab kuch ho jayega. Friends, incontinence needs truly your efforts and attention. After a 12 hours work, we have all joined together to make you understand that all good things take time. Hamara ye andaaz na tha ki itne sare log iske bare mein samajh payenge. But the journey of 1,000 miles always begins with a single step. A step about self-realization. Friends, we all realize ourselves today better than before. We all have lived in the pandemic at home and worked from homes. Sadly, all the doctors and all the COVID warriors have been in the forefront at unearthly hours and at hours at your beck and call to help you out and to get you sorted off those deadly diseases which actually has ruined the entire world. They're also looking at that kind of a silent disease which is ruining mankind. Bachchon mein, boodhon mein, purushon mein, striyon mein, har kisi mein, aur neurogenic conditions mein, incontinence needs attention. It needs attention, and your attention will help a urologist treat you completely.
So that all good things take time. It is important for us to combine together. Next time, if you think about urgency, mera urine control nahi ho raha hai. If you think about urge incontinence, jahan meri urine leak ho jati hai. If you think about increased frequency of urination, and you think about nocturia and post-war dribble, if you think about bedwetting, if you think about leakage of urine on cough and laughing and bending down and stress incontinence, I think you should remember this important evening today, which we celebrate with you on awareness. We want you to think about World Continence Week and the people who brought this into being. It's a reminder that we should think about those women whom we can empower, because women don't get that chance to get treated. They don't get a chance because there's everybody else in the family who gets a chance, and they probably don't get a chance. So it's in my end is my beginning in terms of wake you up to take you forward to the highest possible level. In India today and in the world tomorrow, in incontinence and in overall health, the headline should be from Motivated Mornings tomorrow that everything should change. We should take it forward. We should treat incontinence and bring continence and control back. And that is where this important hard work that we put forward to you day in and out and unearthly hours and hours beyond our work will probably fetch dividends and results, and many more people will be confident. Their social, their sexual, their entire quality of life, their entire home and their entire peace will come. People may have refractory overactive bladders. People may have different kind of issues, but quality of life individuals probably should get out. Therefore, we reincarnate ourselves. We reincarnate to bring incontinence back to you. Truly a challenge, and awareness was a dream, and the dream has been brought in many ways. From platform as strong as this, I make you aware that management is a satisfying journey for both the patient on the other side, for the society, and for doctors like us who are involved in quality of life diseases. So friends, on this very important evening, which is a part of the celebration of the week-long events happening across the world on the YouTube, on various platforms, we combine today to come close to you on the YouTube channel. Aapko jagane ke liye ki incontinence is truly treatable, is truly identifiable and curable. Identify aap kare, aapke urologist aapke shehar mein is challenge ko aage le jane ko tayyar hai. So aaj is awareness aur is dream ko aage badhate hue aur aage le jate hue, हम आज इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करना चाहते हैं और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे. हम अब यहां शेयरिंग बंद करके कुछ क्वेश्चंस को सुनना चाहते थे और उन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे. तो मेरा ये इंटरेस्ट था कि हम इन क्वेश्चंस को जरा आपके लिए आंसर कर पाए. तो यहां हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सुनते हैं. डॉक्टर, आई एम अ हाउसवाइफ वुमन फ्रॉम उत्तराखंड. I have bedwetting problem. Doctor written minerin 0.2. When I Google it, it seems it's an antidepressant. I am very really worried. What should I do? Should I continue? Madam, you are a housewife and housewoman, and you're managing the household so well. Bedwetting ki problem ke liye minerin ka jo dosage hai, wo bahut important hai. Jab aapne Google kiya, minerin antidepressant nahi hai. Minerin is desmopressin. It's a synthetic analog of the arginine vasopressin system, which is vasopressin, a hormone. It helps you to bring about a control. So ye pehle to antidepressant nahi hai, pehla. Dusra, ye ek bahut hi strong therapy hai. Hum 0.2 sabko nahi dete, hum pehle 0.1 se jate hain, fir 0.2 se jate hain. Aaj sham ko hi hum KDAH Pro app pe kisi ko dekh rahe the, jo aapke jaisi ek patient hai, jo Coquelabin hospital ki online consultation pe isi cheez pe baat kar rahi thi, aur aaj मिनरिन 0.2 से 0.1 पे ले आए. उनको हमने मिनरिन मेल्ट पे रखा हुआ है और ये दवाई एंटी डिप्रेसेंट नहीं है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट इवनिंग फॉर मी दैट आई एम एबल टू सॉल्व समबडी डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. सो लुपिन, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेडवेटिंग प्रॉब्लम इन अ हाउसवाइफ व्हिच वी कैन सी लाइव व्हिच हैज बीन क्वेश्चन टू मी हियर इज एन इंपॉर्टेंट इशू. सो बेडवेटिंग किसी में नहीं होना चाहिए, और एक युवती जो कहीं 35 से 45 साल की होंगी उनकी बेडवेटिंग उनके लिए अच्छी बात नहीं है, पहला. दूसरा, उनके डॉक्टर ने उनको मिनरिन की टैबलेट लिखी है. हम मिनरिन की टैबलेट्स आइडेंटिफाई करने के बाद ही देते हैं कि किस डोज पे और किस उम्र में दें, पहला. तीसरा, मिनरिन मेल्ट आ चुका है, जो हम क्या डोजेस दें वो इंपॉर्टेंट है. और चौथा, हम मिनरिन को कैसे दें ताकि इस बेडवेटिंग को खत्म कर पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये एंटी डिप्रेसेंट लगता है और आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई है, तो एटलीस्ट आप KDAH कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल प्रो ऐप, ये एक ऐप है जिस पे आप जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और एक ऑनलाइन कंसल्ट में मेरे साथ आएं. मैं आपको इस बेडवेटिंग को खत्म करना चाहता हूं. आपको
नॉक्टूरिया एनुरेसिस लॉन्च गूगल में देखना चाहिए, जहां नॉक्टूरिया और बेडवेटिंग की लॉन्च हम लोगों ने की थी। वहां 55 और 65 इयर्स की औरतें बेडवेटिंग करती थी और वो हमारी घंटे भर की प्रोग्राम में आई थी और उनकी लीकेज खत्म हो चुकी थी। उन्होंने आके बताया था, पूरी दुनिया को प्रोत्साहित किया था। सो मेरा मानना है कि नॉक्टूरिया और बेडवेटिंग पे यूट्यूब पे मैंने बहुत बार बोला है, बहुत से लोग इससे ठीक हो चुके हैं और आज ये बहुत खुशी होती है कि कोई somebody has broken the shackles, कोई YouTube पे आकर के ये लिखा कि मैं बेडवेटिंग कर रही हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी बेडवेटिंग की प्रॉब्लम इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक ड्रग लिखी है, वो ड्रग उन्होंने सही लिखी है, उसके डोजेज शायद सही ना हो आपके लिए और शायद आपको इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है और इसी घबराहट में आप ये दवाई नहीं खा रही है, ये दवाई कैसे खाना है, दवाई कब तक खाना है, दवाई को कैसे डीएस्केलेट करना है, हम आपको ट्रीट करना चाहते हैं। आप कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल प्रो ऐप पे आइए और एक ऑनलाइन कंसल्ट पे अपने आपको ठीक कराइए। हम बहुत खुश होंगे कि कोई उत्तराखंड में इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इनकॉन्टिनेंस वीक पे अपनी बेडवेटिंग से अपने आप को ठीक कर पाएगा। वेरी गुड वैभव, दैट्स ग्रेट। इज देयर एनी ट्रीटमेंट टू कंट्रोल बेडवेटिंग फॉर टीनेजर्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स? यस प्लीज, इट्स कंप्लीटली देयर। आई स्पीक ऑन नॉक्टूरिया एंड ऑन बेडवेटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। बेडवेटिंग इज कॉल्ड एन्यूरेसिस, जो मैंने आपको बताया, और ये ट्रीटमेंट है। दैट इज, मैं आज बहुत खुश हूं कि इस तरह की ट्रीटमेंट की बात हो पा रही है। याद रखिएगा, एक जमाने में इसके बारे में बात होती नहीं थी, लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे। सो याद रखिएगा, टीन एज बॉयज, एनी बडी फ्रॉम 6 years to 15 years एंड बियॉन्ड शुड नॉट स्टे बेडवेटिंग। तो 6 साल 8 साल के बच्चे भी आते हैं, उनको हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में देखते हैं और उनकी कॉन्टिनेंस कंट्रोल मैकेनिज्म डे वन से लाते हैं। और टीन एजर बॉयज जो 12, 14, 18 साल की उम्र में हैं, लड़के लड़की, इनके आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनके पेरेंट्स को जगाने की जरूरत है कि उनको ट्रीटमेंट करना ही करना है। So yes, there's a treatment available. If you live in Mumbai, come and see us at Kokila Ben Hospital. If you live in any other city or you live in any other part of the city, please see your urologist. ये हमारे लिए जरूरी है कि हम आपको ट्रीट करें। जो लोग हमें मिल नहीं सकते इस पैंडेमिक में और जो ऑनलाइन कंसल्ट पे विश्वास रखते हैं, वो आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट KDAH कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल प्रो ऐप पे कंसल्ट करें और अपने आपको ठीक करें। कृपया बेडवेटिंग से न गुजरें, ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर speaking out loud and clear by writing your questions, and this actually motivates us at Lupin Kokila Ben Hospital combined platform to treat you, and that is what is the motto of today's important campaign, impossible to possible. You both have been impossible in your treatment, ho nahi pa raha hai, and we have to sort you out. It is very important to treat you and then de-escalate it. Aap apne aap dawai nahi band kar sakte, is dawai ko band karne ke bhi tarike hote hain, to kripya aake mile aur ise theek karne ki koshish kare. Agla question hai, why diabetic patients are more prone towards urge leakage? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। याद देखिएगा, डायबिटिक लोगों की एक ट्रायड होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगना, पॉलीफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना, और पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज्यादा लीक होना। तो ये एक ट्रायड है जो डायबिटिक लोगों की एक कहानी है। तो याद रखिएगा, एक तो डायबिटिक लोग पेशाब ज्यादा बनाते हैं, और अगर उसमें बुजुर्ग और डायबिटिक हैं तो याद रखिएगा पेशाब रात को ज्यादा बन रही है। पहले ही मैंने बताया था बुजुर्गों में रात को पेशाब बन रही है। उसमें याद रखिएगा, ज्यादातर भारत में लोग शाम को चाय, कॉफी, अल्कोहल और भारतीय लोग दूध पी के सोते हैं, तो अगर आप इतना पानी बॉडी में ले रहे हैं तो यूरिन तो वहीं से निकलेगा और यूरिन बनता रहेगा और आप बाद में बार बार जाएंगे। तो नॉट नेसेसरी दैट दे सफर फ्रॉम अर्ज वीकेज और अर्ज इनकॉन्टिनेंस जैसा आपने पूछा है, बट दे सैडली सफर, दे सफर सो मच बिकॉज यूरिन लीक होते रहता है, यूरिन बार बार आता है, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ टॉयलेट में जाएं, उसके साथ साथ अंदर चेंजेस हो रही है, हार्मोन की चेंज हो रही है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है युवतियों में, प्रोस्टेट की चेंज हो रही है, उसमें लीकेज हो रहा है। तो यूरिनरी लीकेज एक यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डोमेन में हम भागीदार बने, हम अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए आगे बढ़े। तो डायबिटिक पीपल सफर फ्रॉम मोर यूरिनेशन, मोर यूरिन प्रोडक्शन कॉल्ड पॉलीयूरिया। एल्डरली पीपल प्रोड्यूस, एंड प्रॉबली द लेडी फ्रॉम उत्तराखंड बेडवेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूरिन लीकेज हैपनिंग, बिकॉज द यूरिन लीकेज कैन हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द यूरिन बीइंग प्रोड्यूस मोर एट नाइट। और हम बेडवेटिंग करते हैं, हमारी नींद बहुत गाढ़ी है और हम यूरिन लीक करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सबसेट को आगे बढ़ाना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव इन अ कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज टू बी एबल टू रीच टू यू। सो फ्रेंड्स, आप जो भी इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, इसको वाइंड अप करने के लिए कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको जगाने के लिए, जो हमारा एक वाइंड अप कॉल होगा, कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो आप ये अवश्य डालें, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनल क्वेश्चंस को आंसर करें। पहला क्वेश्चन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसको हो सकता है? छोटे बच्चों को हो सकता है। तो टॉयलेट ईयर्स ट्रेनिंग में 1 से 5 साल तक जो मदर टॉयलेट ट्रेनिंग करती है, उस समय हम इनकॉन्टिनेंस की शब्द नहीं यूज करते, उस समय टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है, ब्रेन और ब्लैडर की जो रिदम है वो एस्टैब्लिश हो रही है। 6 साल से 15 साल में अगर बेडवेटिंग है
तो ये अच्छी बात नहीं है, इस बेड वेटिंग को ट्रीटमेंट करना है और इस बेड वेटिंग के लिए आपके यूरोलॉजिस्ट हैं। अगर रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है बुजुर्गों को, जिसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, जो अगर आप YouTube खोलेंगे और देखेंगे तो नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग पे मैंने कितना बोला है और लोगों को जगाने की कोशिश की है। ये जागरूकता आज हर घर में पहुंचना चाहिए। नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग की क्लिनिक है और इस क्लिनिक से हम लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट वहां तक हो जहां तक क्योर हो। तो कब दवाई देनी है, क्या डोज की दवाई देनी है और कब दवाई को कम करना है, ये सब नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग की बात हो। हमने शुरू में बात की थी ओवर एक्टिव ब्लैडर की, और ओवर एक्टिव ब्लैडर वो प्रॉब्लम है जिसमें आपकी ब्लैडर कंट्रोल नहीं करने देती। अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है और मिस देवी 27 इयर्स की डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंच नहीं पाती, या मिसेस राव 67 की हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, डायपर पहनना पड़ रहा है, यूरिन लीक हो रहा है, तो घरों में क्यों बैठे? अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको अपनी व्यथा सुनाइए और याद रखिए कि वो आपको ट्रीटमेंट ही नहीं, आपको क्योर तक लेके जाएंगे। ये क्योर आपके जहन में है। 2021 की वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक की इस इंपॉर्टेंट कैंपेन में आपका भागीदार होना जरूरी है। हर औरत की पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद यूरिन लीक हो सकती है बिकॉज पेल्विक फ्लोर थोड़ा कमजोर हो जाता है। कीगल एक्सरसाइजेस के द्वारा वो अपनी अपने आप को दुरुस्त कर लेती हैं, उनकी वो उम्र होती है। लेकिन याद रखिएगा पोस्ट मेनोपॉजल हमारे मदर्स और हमारी ग्रैंड मदर्स की उम्र में, उसके बाद की उम्र में यूरिन लीक हो सकता है। और उस यूरिन लीक का होना खांसी करते वक्त, चलते वक्त, सीढ़ियों से चलते वक्त, दौड़ते और हंसते वक्त अगर यूरिन लीक होता है, देन शी इवन कैनॉट लाफ। लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन कैन कम एज अ क्योर ओनली व्हेन वी क्योर हर। और ये क्योर जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता है जो हम दे पाते हैं, वो छोटी सी ऑपरेशन होती है जो हम औरतों के लिए करते हैं, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट अब और डायपर्स पे और दवाइयों की नहीं होती, उनकी क्योर होती है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस पाती है। फ्रेंड्स, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में, जहां हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे इस पैंडेमिक में आपके पास लौट के आए हैं, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का आज पूरा ये इंटरेस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म जो बना है वो प्लेटफॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हम बार बार आपके पास लौट के आते हैं और इस तरह से आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस को खुद आइडेंटिफाई करें। आप आज जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज इस सब्जेक्ट के एम्बेसडर होते हैं। आपको ये प्लेज और प्रॉमिस लेना चाहिए कि अगर आपके रिलेशन में, आपके इस सर्कल में कोई भी इनकॉन्टिनेंट है जिसकी यूरिन लीक होती है, जो इस मीटिंग से दौड़ के भागता है और यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता, जो डायपर में रहता है और जो रात को बेड वेटिंग कर रहा है या रात को जगा रहता है, बार बार यूरिन पास करता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें। वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आप खुद ही एक पेशेंट हो सकते हैं जिसको अपने आप को ट्रीट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस एस्पेक्ट को ट्रीट करने के लिए हम वहां तक जाते हैं जहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके, आपको क्योर कर सके और आपको फ्यूचर में फॉलो कर सके। तो ये कोशिश आज थी, आपकी भाषा में हर शहर में जहां भी आप हैं इस चीज को आगे ले जाएं, इस कैंपेन को आगे लेके जाएं। इस हाइपरटेंशन लीडिंग टू इनकॉन्टिनेंस? नहीं, हाइपरटेंशन से इनकॉन्टिनेंस नहीं होता। तो ये भी हमें याद दिलाना है कि न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस एक बहुत ही साइलेंट एग्नी है। हर घर में जहां कोई पैरालाइज है, हर घर में जहां किसी को कोई स्ट्रोक की बीमारी रही है, हर घर में जहां पुरुष और स्त्री हैं जो बेड पे अटके हुए हैं और बेड से निकल नहीं सकते और बहुत बार कैथेटर पे हैं, या कैथेटर पे नहीं सैडली डायपर में है और यूरिन लीक कर रहे हैं और उनको इन्फेक्शन हो रहा है, आज उन सबके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड विद यूरिनरी इश्यूज टुडे, द लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेक अप टू दिस फिनोमेना दैट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दैट वी हैव बीन टुडे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेक अप। सो फॉर यू, बिफोर आई वाइंड अप, माय वॉल टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज and difficult issues in urology which we as a team treat around. It is important for us to treat each of you. As I take the last question, I must tell you that I am on the YouTube on awareness. I speak on a channel called Dr. Sanjay Pandey Urology and make it a point that people continue to listen, continue to be aware, not necessarily that I could treat you on the YouTube, but those questions and answers help you to reach your urologist. ये पूरी अवेयरनेस की जो कोशिश हम YouTube पे करते हैं अपने चैनल से, और आज इतने स्ट्रॉन्ग चैनल से आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको आप केयर गिवर की तरह से उनको ठीक कर सकते हैं, और उनको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए उस तरह की प्रोत्साहन दें। डॉक्टर पांडे, आई एम अ 24 इयर्स यंग, आई लव टू बी हेल्दी एंड मस्कुलिन, बट ड्यूरिंग वर्कआउट व्हेन एवर आई पुट हैवी वेट माई यूरिन लीक्स आउट, बट ओनली बिकॉज ऑफ सपोर्टर इट इज नॉट सीन, बट पर्सनैलिटी वाइज इट्स वेरी एम्बेरसिंग। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई कैन इमेजिन टू थिंग्स, इट कुड बी अ 24 इयर्स यंग फीमेल, or it could be a 24 years young male. If you are a male and at 24, you should not get a stress incontinence. The possible hai, if you are doing this and you are doing heavy weights and you are putting up stress to your abdomen, you could either be a man and leaking urine,
we need to study and understand why is your continence mechanism. But mera manna hai ki this is a 24 years young lady and she could leak urine and it could be a stress incontinence when you put a lot of pressure on your tummy, which happens when you put weights, when you do a strong exercise around. And this leaking can actually happen around. So it's a very, very important aspect of urinary leakage, which can happen to very young women. So young ortho may be bina pregnancy ke, bina hormone changes ke bhi stress incontinence ho sakta hai. Ye pelvic floor ortho mein jara alag hoti hai aur purusho mein jara alag hoti hai. Aur is pelvic floor ko hume samajhne ki zarurat hai. So women as young as 24 can cough and put pressure on the abdomen and can leak urine. And rightly said, because I wear a supporter, it's not leak and I could manage myself. आपको अपने डॉक्टर को मिलने की जरूरत है. आप सपोर्टर पहन के क्यों काम चला रही हैं? So, जो भी शहर में रहती हैं अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले, और अगर बॉम्बे में हैं तो कृपया कोकिलाबेन हॉस्पिटल आइए, अपने को ट्रीट और क्योर कीजिए और अपने एक्सरसाइज से अपनी बॉडी और अपनी फिजिक को बनाते रहिए. किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है और हम इस अंत में आ रहे हैं, हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, पर कुछ फाइनल क्वेश्चन आप पूछते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि टू डिस्कस डायबिटीज एंड बीपीएच इन व्यू ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. मैंने बताया था डायबिटिक पीपल प्रोड्यूस मोर यूरिन. अगर उनकी कंट्रोल मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं है तो यूरिन लीक हो जाएगा. वो कब होता है? ज्यादातर रात को वृद्धावस्था में होता है, जहां पे बुजुर्ग लोग अगर डायबिटिक हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन डिजीज होती जा रही है, तो आप यूरिन रात को बहुत ज्यादा बना रहे हैं. वैसे कंडीशन में हम सबको बोलते हैं आप जैन बन जाइए. आप जैन बन जाइए क्योंकि शाम के बाद पानी, कॉफी, चाय, दूध, कोला, अल्कोहल सब जरा कम करिए. ये सब कुछ यूरिन ज्यादा बनाती है. तो पहले तो एक बिहेवियरल थेरेपी होती है जो पुरुषों और औरतों को लेना पड़ता है अगर वो रात को बार बार यूरिन जा रहे हैं. तो अगर रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, अगर आप डायबिटिक हैं और पेशाब ज्यादा बनती है, तो पहले पानी की मात्रा जरा कम तो करिए ना. आपको रात को हर दिन दूध पी के जाने सोने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है. सो यू डोंट हैव टू कीप ड्रिंकिंग वाटर ऑल योर नाइट एंड कीप पासिंग यूरिन ऑन ऑल योर नाइट. इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. मार्च 17th एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्लीप डे. मार्च 17th एवरी डे एवरी ईयर इज कॉल्ड एज वर्ल्ड स्लीप डे. मतलब स्लीप वेल एंड नर्चर लाइफ इन द डे टाइम. अगर रात भर आप जगे रहे तो दिन में सोएंगे क्या? दिन भर अगर सोते रहे तो काम कब करेंगे आप? So it's very important for you to wake up to this phenomena that I will sleep well at night so that I'm regenerated. Sleep, why? The revolution of sleep for us to sleep 6 to 8 hours is to bring about a regeneration of the whole body. Body ko rest milta hai. Jo aap rest kehte hain, chutti leke rest lete hain. Ye body apni rest raat ko leti hai. Agar raat bhar aap call center mein kaam kar rahe hain, raat bhar aap jage rehte hain, to din bhar aap sote rehte hain. Ye aapke fayde ki baat nahi hai. So diabetic and elderly people produce more urine at night. The behavioral therapy which a patient on the other side of the table has to take is he should cut down his water intake at night. He should cut down tea, coffee and alcohol in the evening and night because tea, coffee and alcohol are diuretics. They produce more urine. Ek glass pani shayad ek glass peshab banaye, par ek glass chai, ek glass coffee, ek glass alcohol, ek balti peshab banayegi. They are diuretics. They hammer the kidney. You produce more urine through the kidney. And where does it go? It goes to the urinary bladder. And the urinary bladder is a receptacle. It actually has to store urine. मैंने कहा रात को अगर बुजुर्गों की नींद ही नहीं है और वो जगे हुए हैं और ब्लैडर में बार बार किडनी पेशाब बनाए जा रही है तो उनको पेशाब करना ही पड़ेगा. BPH, benign prostatic hypertrophy. 50-60 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ता जाए या न बढ़ता जाए अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रहा है. जो पुरुष स्मार्ट है, जो पुरुष समझदार है, वो कंप्लेन करते हैं और अपने यूरोलॉजिस्ट को आके मिलते हैं. तो आई सी पेशेंट्स इन लेट 40s, अर्ली 50s एंड इन 70s एंड 80s जहां लोग बोलते हैं मेरा पेशाब खुल के नहीं आता था. तो आज क्यों आए? खुल के इतने सालों से नहीं आता था, हम दवाई ले रहे थे, हमें क्योर नहीं मिलती थी. लेकिन आज हम जो आए हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यूरिन लीक हो रहा है, हम डायपर पहन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आपकी ब्लैडर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. सो ब्लैडर इज अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सेसिवली इन बैकग्राउंड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन. अगर दरवाजा बंद है तो आप नॉक 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 करते हैं, दरवाजा खुल गया तो आप आराम से जाते हैं. तो ये जो पूरी कॉन्टिन्यूस मैकेनिज्म थी जहां ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करती थी, रास्ता खुलता था और पेशाब निकलता था, ये उम्र के साथ साथ चेंज हो रही है ना. प्रोस्टेट धीरे धीरे ब्लॉक करता जा रहा है यूरिनरी पैसेज को. तो ब्लैडर कैसे रेस्पॉन्ड करती है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर करके. तो ये चीज जो ये समन्वय है, वो समन्वय गड़बड़ होता जा रहा है बिटवीन द आउटलेट एंड द ब्लैडर. देयरफॉर ब्लैडर आउट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली ब्रिंग्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग. यू फॉरगो इट, यू इग्नोर इट, यू कंटिन्यू टू लिव विद ऑब्स्ट्रक्शन. यू आर गिविंग योर ब्लैडर अ टफ टाइम. यू आर टॉर्चरिंग योर ब्लैडर एंड द ब्लैडर देन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेसिवली एज अ लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्ली अ वेकअप मैकेनिज्म बिफोर द ब्लैडर मे इवन फेल. एंड दैट इज कॉल्ड एन अंडरएक्टिव ब्लैडर. वो अलग ही बीमारी है जो डायबिटिक लोगों में होता है, जिनमें ब्लैडर कमजोर हो जाता है. आपने ब्लैडर को इतना टॉर्चर किया कि फाइनली ब्लैडर जगी नहीं, सो गई, और तब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती है. दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. पेल्विक एक्सरसाइजेस हेल्प इन लीकेज. सो यस, पेल्विक एक्सरसाइजेस मे नॉट हेल्प लीकेज इन मेन, बट इन वुमेन, रिमेंबर आई हैव सेड द पेल्विक फ्लोर इज मोर ऑफ अ हैमक काइंड ऑफ अ डिफॉर्मिटी. अ हैमक वो हुआ जो दो पिलर्स से झूल रहा है. तो औरतों के पेल्विक फ्लोर पुरुषों के पेल्विक फ्लोर से बहुत अलग है, और इस पेल्विक फ्लोर की कमजोरी अनफॉर्चुनेटली उम्र के साथ,
प्रेगनेंसी के साथ, सिर्फ उम्र के साथ चेंजेस होती रहती है, और ये चेंज इस तरह का होता है कि वो पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है, इससे प्रोलैप्स हो सकता है, इससे इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और इसलिए पेल्विक फ्लोर का दुरुस्त होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। और ये सब उस उम्र में हो जिसमें हम आज एक योगा कंट्री बन चुके हैं, हम सब अपनी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग कर रहे हैं, जितने भी पोस्ट प्रेगनेंसी सिचुएशंस है, प्रेगनेंसी के बाद कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, यंग एज में हर कोई अपनी एक्सरसाइज करे और पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करे। पुरुष ये करते हैं, पर पुरुषों में जो पेल्विक फ्लोर है वो जरा अलग तरह से भरा होता है, जिसमें उनको पेल्विक फ्लोर की वीकनेस इतनी जल्दी नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज जागरूक हो। ये पूरे प्लेटफॉर्म से हम शायद सबको ट्रीट ना कर पाए, पर पिछले एक घंटे और 22 मिनट से हम जो कुछ आपको याद दिला रहे हैं वो याददाश्त इसलिए है कि अगर हम में से कोई भी यूरिन लीक कर रहा है और हम अगर हम में से कोई भी इनकॉन्टिनेंट है तो आज ये टाइम है कि हम जग जाए। हम इस स्ट्रांग प्लेटफॉर्म को सलाम करते हैं जहां पर हम आज तक पहुंच पाते हैं, और इस पैंडेमिक में बहुत से तरीकों से, बहुत से वेबिनार्स के थ्रू आपसे हम पहुंच के आपको जगा पाए। तो व्हाइल आई कंटिन्यू टू स्पीक ऑन द यूट्यूब चैनल एंड मेक पीपल अवेयर ऑन मेनी यूरोलॉजी कंडीशंस, आई कंटिन्यू टू स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, टू मेक पीपल अवेयर ऑन दीज इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस, जहां पे क्लोज टू हाफ द पीपल सफर, हाफ ऑफ आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हाफ ऑफ आवर चिल्ड्रन सफर विद बेड वेटिंग, हाफ ऑफ आवर वुमेन फोक सफर विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एंड वी कंटिन्यू टू स्टे साइलेंट no more. Silent menace needs to be tackled today. We need to wake up and probably reach out. From tomorrow, it should be motivated mornings, and we need to probably reach our urologist, reach our doctors, reach people who continue to suffer. Wake them up and say that don't live on the diapers, don't live on the pads. Wake up and probably go to a level where you can get treated around. Tabhi aaj is platform ka aur aaj is pure hafte ka kuch fayda hoga. Tabhi is campaign ka wo strength milega jo strength ki zarurat hai. फ्रेंड्स, इस तरह की कोशिशें होती हैं जहां डॉक्टर्स आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप हर बार डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, प्यासा हर बार कुएं के पास पहुंचता है, और इसी तरह हम हॉस्पिटल जाते हैं और किसी ट्रीटमेंट की अपेक्षा रखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आज इस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचे। सोसाइटी को जगाना बहुत जरूरी होता है कि बहुत बार ये सब चीजें मिस हो जाती है। प्लीज वेक अप, एटलीस्ट क्लोज योर आईज एंड वंस लुक एट पीपल एट होम, अ स्मॉल चाइल्ड बेड वेटिंग एट नाइट, a woman who could be a mother or a wife or a sister leaking urine when she coughs urine, when she coughs, a mother who could be leaking urine because she is elderly, she may be diabetic, she may be getting recurrent urinary infections, and she should need to see a urologist, and finally elderly grandfathers who actually leak urine at night, who get up multiple times at night. So each of you who is young will tomorrow turn less young. Each of what goes up comes down. Hum jo aaj hain wo shayad kal na rahenge, to aaj apne aap ko durust kare, और आज उन लोगों को दुरुस्त करें जो शायद इसके बारे में जागरूक नहीं है। यही आज इस प्लेटफॉर्म और इस पूरे कैंपेन का रिक्वायरमेंट है। फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, फ्रॉम लुपिन इंडिया एंड द एंटायर टीम एट लुपिन एंड ऑल दोस पीपल इन्वॉल्व्ड इन ऑडियो विजुअल हु हैव बीन कंटीन्यूअसली सेंडिंग मी द क्वेश्चंस दैट वाज रिक्वायर्ड, आई थिंक इट्स अ सैल्यूट टू द एंटायर मैनकाइंड टुडे दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल गॉट अ कैंपेन कॉल्ड वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक। इन दैट कॉन्टिनेंस वीक वी कुड जनरेट दिस काइंड ऑफ ए प्रोग्राम टू रीच ऑल ऑफ यू, and through a platform called YouTube where you could open it up without any passwords, reach and probably look at it. All those who have not seen could possibly see as time goes by, because there's always will be live out there. Please pass this recorded version to your colleagues, to people who need to wake up and look at that through slides, through the kind of question answers today in a strong platform we try to reach you. We'll come back again and again on World Continence Week to you and from these strong platforms and various aspects of health. But I will continue speaking on my YouTube channel. Irrespective of all that, you have to go back and understand that if anybody is incontinent, in the cities where you live in places where you live in, my urology friends are interested in this. They continue treating you on and off. So at Kokilaben Hospital, from V3 urologists in the Department of Urology, who continue to work on incontinence by medicine, by botulinum toxin and overactive refractory bladders, by stress incontinence surgery, and also rectovaginal fistula and rectourethral fistula, where you leak urine through the vagina and the rectum, where you cure you by complex surgeries. It's a salute from the team urology at Kokilaben Hospital. It's a salute from the platform that we've created today for you. You must wake up today. It's a wake-up call for all of us. This information should go down and percolate to every Indian. He could be a young man, he could be a young woman, he could be a probably caregiver to his parents, to his colleagues, to his peers, and to his family. It is important that we wake up. Thank you, Lupin, for having made such a wonderful platform. I will come to a close and we'll meet up again and again. For those who have got questions which we may not have answered, you can still go back to this platform and they will pass on the questions to you.
You can always pass right on questions and we could always answer you later on. If you have questions on any other aspect of urinary health, which I continue to speak on my YouTube channel, you can go to the channel and probably type questions there. In other words, today interaction has changed. Apart from meeting one-to-one, today we are able to meet one to a billion. And that is how a platform can get so strong. So let's create a 2020 of a different kind where the rapid fire that we did today to give so much of information to each of you and to enlighten you today is such an important aspect. Each of you matter. Your quality of life matters. Don't let your quality of life being ruined by living on a subnormal therapy or living on diapers, please. It is completely treatable. Take this challenge for yourself and reach to a level from where you are treated and cured.